हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, आवाज आप लोगों को क्लियर है ना? तो आज आप लोगों का आखिरी दिन है इस क्लास का, उपनिषद या फिर भक्ति शास्त्री का ही आखिरी दिन है ना? इसके बाद कोई क्लास है आपकी? नहीं नहीं प्रभु, और एक सब्जेक्ट। और एक सब्जेक्ट? अच्छा अच्छा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शायद बाकी होगा ना। अच्छा, खैर, लेकिन हमारे से छुटकारा तो मिल जाएगा आप लोगों। कलयुग में क्या होता है पता है? लोगों को अत्याचार सहन करना अच्छा लगता है। ये उदाहरण है कलयुग का। इतना अत्याचार होने के बाद भी आप कह रहे हो और होना चाहिए और। ओके, शुरू कर सकते हैं या? आई थिंक सब लोग आ गए हैं शायद। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये सोच रहे थे जब जब आज की क्लास प्रारंभ कर रहे थे,
कि ये आप सब के साथ ये आखिरी बार क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, सो आप सबसे क्षमा भी मांगनी चाहिए। बहुत कुछ हमने कहा होगा क्लास कहते समय, कुछ करते समय, आप लोगों को किसी को कुछ कहा होगा, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। सो अभी 17वां मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, 16 मंत्र हो चुके हैं, तो 15 से प्रार्थनाएं शुरू हुई थी। भक्त ने प्रार्थना की हिरण्यमयेन पात्रेन, भगवान ये हटा लीजिए एकदम आपके सामने जो कांति है इसको हटाइए ताकि मैं आपके मुख को देख सकूं। फिर भगवान का गुणगान किया, 6 ऐश्वर्यों का गुणगान किया, और अब मृत्यु के समय भक्त की प्रार्थना है। तो मृत्यु के समय वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, तो क्या प्रार्थना कर रहा है ये इसको पढ़ते हैं। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तम् शरीरम् ओम कृतोस्मर कृतम् स्मर कृतोस्मर कृतम् स्मर। के कौन पढ़ेंगे अनुवाद इसका? निर्जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अनुवाद, श्री गुरु पाद की जय। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करे, और चूंकि आप परम भोक्ता हैं अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ओके, सो यहाँ ये जो शब्द है कि मैंने आपके लिए जो कुछ किया है, तो ये सीधे भक्ति को दर्शाता है। भक्ति का अर्थ क्या है? हर कार्य भगवान के लिए करना, उसे भक्ति कहते हैं। आप कोई भी कार्य करिए लेकिन अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए है तो वो भक्ति हो जाता है। आप लोगों को मार भी रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए तो भक्ति है, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने लाखों करोड़ों लोगों को मारा, 18 दिन में 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। लेकिन ये बैच हिंदी है ना, भूल गए, हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी है। 2-3 बैच चल रहे हैं, रोज यही टाइम पे चलते हैं, मैं याद नहीं रहा इंग्लिश कौन सा, हिंदी कौन सा। ओके, सो अर्जुन ने इतना मारा लोगों को, 64 करोड़ लोग मारे गए। आपको अकेले नहीं मारा अर्जुन ने, लेकिन बहुत सारों को मारा, मगर वो शुद्ध भक्ति है। क्यों? कृष्ण के लिए किया। और यही बताने के लिए अर्जुन को पहले अध्याय में मोह में डाला गया भगवद गीता, ताकि ये बताया जा सके कि देखो अर्जुन नहीं करना चाहता था, भगवान ने कहा किया, तो शुद्ध भक्ति। अगर अर्जुन शायद मोह में नहीं पड़ता तो हो सकता है कि लोग कहते अर्जुन को तो बहुत पाप लगेगा, लेकिन अर्जुन ने जो किया वो शुद्ध भक्ति। इसीलिए यहाँ पर ये जो शब्द है कि जो भी मैंने आपके लिए किया है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हमारी भक्ति केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए, हमारे कार्य भक्ति के कृष्ण की संतुष्टि के लिए होने चाहिए। हमें कष्ट हो, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने में जो भी कष्ट मुझे आते हैं वो मेरे लिए परम सुख है। कैसे हो सकता है? अरे भक्ति करते हुए कष्ट आएंगे, कौन कह सकता परम सुख है? एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? कष्ट बहुत होता है माँ को, रात रात को जगना पड़ता है, भागना पड़ता है, कुछ कार्य नहीं कर सकती। हमारे जो डिवोटीज माता जी होते हैं वो तो कभी कभी चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, दिन भर वो रोता रहता है उसी के पीछे, फिर रात रात को सोता नहीं है, फिर इनको मुश्किल से 2-3 घंटे सोने मिलता है, फिर वो उठ जाता है, ऐसे कई होता है। आप लोग हमसे अच्छा जानते हैं, तो हमने जो सुना है वो कह रहे हैं, आप सब तो अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो लेकिन क्या ये कष्ट लेकर माँ को परम सुख नहीं मिलता? बड़ा सुख मिलता है। तो ये नहीं कहती कि कहां से झंझट आ गया तो और करती रहती है, रोज करती है, रुकती नहीं है कि चलो एक दिन हो गया ना, बस अब कल मैं नहीं करूंगी, परसों नहीं करूंगी, 1 साल 2 साल जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, इवन बड़ा होने के बाद भी हमेशा उसकी चिंता करना। तो ये जो दुख आ रहा है, अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो माँ को बहुत दुख है, रात को नहीं सो पा रही, कुछ काम नहीं कर पा रही, हमेशा रोता है, भागना पड़ता है, सब काम छोड़कर उसके लिए बैठना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। बच्चा खाता नहीं है, उसके पीछे भागते रहो, अरे खा ले खा ले खा ले, वो बोले नहीं खाऊंगा, पूरा घर में घुमाता रहता है।
मगर माँ को आनंद आता है। तो जिस प्रकार माँ को वो कष्ट लेकर आनंद आता है, उसी प्रकार एक भक्त को भगवान की सेवा करके आनंद आता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो परम आनंद है। क्यों? हृदय में भावना है कि ठीक है कष्ट हो रहे हैं जीवन में, कोई बात नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, बस वो अच्छी चीज है। तो इसीलिए यहाँ ये भक्ति का वर्णन है। और ये जो प्रार्थना है एक भक्त की है मृत्यु के समय, सो भगवान वैसे तो सब कुछ जानते हैं। क्या हमें कहना चाहिए भगवान को, अरे याद करो मैंने ये सब किया था आपके लिए? जैसे हम लोग दूसरों को कहते हैं, कोई व्यक्ति को आपने पैसा दिया, आगे चलकर वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो कहते याद नहीं है तुम्हारी जब स्थिति वैसी थी, किसने मदद किया था तुम्हें? तो बोलता हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह हम भी भगवान को याद है मैंने कितना किया था, 16-16 माला जप किया रोज आपके लिए, याद करो। तो क्या इस भाव में भक्त कह रहा है याद करो? नहीं, भगवान वैसे ही सब कुछ जानते हैं, सब स्मरण करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय हम बड़े निस्सहाय अवस्था में होते हैं। और निस्सहाय अवस्था में भगवान को पुकारना भक्त का कार्य है। द्रौपदी जब निस्सहाय अवस्था में थी, उसने भगवान को पुकारा मेरी रक्षा कीजिए, तो इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है, द्रौपदी शुद्ध भक्त है। तो जब भी भक्त ग्वाल बाल जब कष्ट में होते थे, अघासुर के मुख में चले गए, पता चला रे अरे हम तो कहीं फंस गए हैं, भगवान को पुकारा कृष्ण कृष्ण। तो ये भक्त का भाव है कि जब मृत्यु के समय वो बड़े निस्सहाय अवस्था में होता है तो भगवान को पुकारता है। और भगवान को ये क्यों याद दिला रहा है, ये क्यों कह रहा है याद कीजिए? क्योंकि भगवान से आदान प्रदान की इच्छा है अब उसकी। जैसे भक्त कहते, वो एक भजन किसी ने लिखा है, जब प्राण तन से निकले, पूरा हमें पता नहीं, वो कुछ है ऐसा, आना प्रभु को ऐसे आप आना जब प्राण तन से निकले, बड़ा प्रसिद्ध भजन है किसी ने गाया भारत। तो वो क्या आशा है कि जब मैं जाऊं, जब मेरी मृत्यु हो तो भगवान सामने हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम आए, ये हमारी इच्छा होती है। हम सबकी इच्छा है कि जब हमारे प्राण निकलें तो कम से कम भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम आ जाए मुख पर, है ना? सबकी इच्छा ऐसा होना चाहिए। और इसी की हम लोग कामना करते, इसीलिए अभ्यास करते हैं जीवन भर। मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने जीवन भर प्रयास किया, अभ्यास किया, चैंटिंग किया, और मृत्यु के समय भूल गए भगवान को, तो क्या होगा? रामानुजाचार्य ने प्रश्न किया था अपने गुरु से, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये बताइए, आप बोलते पूरे दिन भक्ति करो, पूरा सब करो, भगवान का नाम लो, याद करो, ठीक है जीवन भर करे, और मान लीजिए मृत्यु के समय कुछ हो जाए, कोमा में चले जाए, कुछ हो, ना ले पाए भगवान का नाम, ना स्मरण कर पाए, तो क्या होगा? मतलब सारी भक्ति वेस्ट, क्योंकि भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो क्या होगा? तो उनके गुरु ने कहा, भाई मैं तो नहीं जानता क्या होगा, मैं कल वरदराज जी से पूछूंगा, कांची में थे, बोले वरदराज जी से पूछूंगा, मतलब भगवान से पूछूंगा। उनके गुरु गए भगवान के सामने खड़े हुए, बोले आपका ये शिष्य पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे तो पता नहीं, आप जवाब दीजिए। तो भगवान ने कहा, जाकर उसको कहो कि अगर मेरा भक्त जीवन भर मेरा नाम लेता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, और अगर वो मृत्यु के समय मुझे भूल भी जाता है तो मैं नहीं भूलता उसको, मैं आऊंगा। तो ये हमारे लिए सांत्वना है। प्रभुपाद भी इस बात को लिखते हैं कि भगवान नहीं भूलते, भगवान आते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति करते रहना चाहिए जीवन भर, ताकि अगर अंत में भूल भी जाएं, भगवान नहीं भूलेंगे, वो आएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान से कहा जा रहा है कि मैंने जो भी आपके लिए किया है उसको आप स्मरण कीजिए। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यह क्षण भंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवत गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, नहीं वह अपनी पहचान खो देता है।
जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप में अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। ओके, सो यहाँ पर बताया है कि जैसे भगवान यहाँ बताया जा रहा है कि जीव का आकार है, जीव निराकार नहीं है, इसीलिए शरीर का भी आकार है। प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि जब हम कपड़ा बनवाते हैं तो कपड़ा किसके आकार से बनता है? शरीर के आकार से। सो कपड़े को शरीर के आकार से काटा जाता है, शरीर कपड़े के आकार से नहीं कटता। ऐसा नहीं होता कि पहले पैंट बना दी और फिर उसके शरीर को उसे काटा जा रहा है कि चलो ऐसे घुसेगी पैंट में, नहीं। जैसा शरीर है वैसा कपड़ा बनता है। तो ये जो कपड़ा है, जो योनियां हमें अलग अलग मिलती हैं, मनुष्य योनि इत्यादि, ये कपड़े के समान है भौतिक शरीर। तो कपड़ा अगर आकार है कपड़े का, तो फिर आत्मा का भी आकार होना चाहिए, नहीं तो कपड़े को कैसे आकार आएगा। तो ये वहां ये समझा रहे हैं प्रभुपाद कि आत्मा निराकार नहीं होती। प्रश्न आ सकता है कि अरे फिर तो इतने सारे आकार हैं, तो जीव का आकार है क्या? वो क्या कुत्ते के आकार में है क्या? वो ये अलग अलग कैसे होता है? वो आकार हमारा जब हम भक्ति करते हैं तब प्रकट होता है। अभी ढका हुआ है लेकिन आकार है, इंद्रियां हैं, आत्मा इंद्रिय विहीन नहीं है। अगर ये होता तो आत्मा के चले जाने के बाद भी शरीर जीवित रहे, लेकिन आत्मा के चले जाने के बाद ना शरीर, जो वही रहती है, वही इंद्रियां रहती हैं, आंखें रहती, कान रहते, लेकिन ये केवल गड्ढे रह जाते हैं। ना आंखें देख पाती हैं, ना कान सुन पाते हैं, कुछ नहीं कार्य होता, रह सब वही जाता है। जैसे कपड़े से, कपड़े को उतार के हम जब फेंक देते हैं तो कपड़े में हाथ भी बने हुए हैं, पैर भी बना हुआ, पैंट भी बना हुआ है, लेकिन कपड़ा निर्जीव है। अभी हमने पहना है, अभी कपड़ा जीवित लगता है, हम घूमते हैं तो कपड़ा भी घूम रहा है ना? लेकिन जैसे हम अभी इसमें हाथ डालें, अभी आपको तो पता है कि हमने हाथ डाला है, ऐसे नहीं पता हो तो अभी हम इसको घुमा रहे हैं तो आपको तो ये लग रहा है कि कपड़ा घूम रहा है, आपको ये थोड़ी दिख रहा है। अभी आपको पता है वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर क्या, आप कपड़े को घूमते देख रहे हैं ना। लेकिन अगर हम हाथ निकाल दें तो कपड़ा नहीं घूमेगा। तो ये आत्मा है और ये शरीर है, तो शरीर कार्य करता है जब तक आत्मा है अंदर। एक बार आत्मा निकल गई तो शरीर मृत है। तो इसीलिए आकार है आत्मा का, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्मा निराकार है। आगे पढ़िए मंत्र जी। हमें शरीर कैसे मिलता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कोई प्रश्न करेगा अच्छा क्या आधार पर हमें शरीर मिलता है, तो प्रभुपाद समझा रहे। पढ़िए मंत्र। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शुक्र का शरीर। इस तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दोनों दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य नहीं मांस खाने के नियमित बना है, नहीं वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निकट आदिम अवस्था में क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काट कर चबा सकें। यद्यपि उसे दो कुकर दांत प्रदान की गई है जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सकें। ओके, तो यहाँ हमें शरीर मिलता है इच्छा के अनुसार, जैसी इच्छा हम लोग करते हैं वैसे शरीर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सोने की बड़ी आदत है, सोना बड़ा अच्छा लगता है, नींद आ जाती है, लेक्चर शुरू हुआ नींद आ गई, वो तो वैसे परंपरा है ना हमारी, प्रवचन शुरू होते ही अगर कोई सोए नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इस कान में प्रवचन नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ भी जाएं, जैसे कई कई लोग तो जय राधा माधव पर ही शुरू हो जाते हैं, जय राधा माधव खत्म नहीं हुआ लोग सोना शुरू हो गया, तो हम उनको कहते हैं थोड़ा बोलने तो दो, तब तो सोना ही तो एकदम, ऐसे होते कई लोग है ना, सोने की बड़ी इच्छा होती है। तो जिनको सोने की बड़ी इच्छा है तो भगवान उन पर कृपा करते हैं, देखिए क्या मनुष्य शरीर में कितना सो लोगे,
8 घंटा 10 घंटा कोई महारथी होगा एक दिन सो लेगा, 2 दिन सो लेगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं सो सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं पोलार बेयर का शरीर देता हूँ। पोलार बेयर मतलब ध्रुवीय भालू। तो वहां शरीर क्या देते हैं उसका, वहां पर वो 6-6 महीना सो सकता है। कुंभकर्ण के वंशज अभी भी उपस्थित है, तो 6-6 महीना सो सकता है वहां पर। तो भगवान उसको देते हैं। फिर किसी को बहुत खाने की आदत है, ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं। हाँ, तो खाने की बड़ी आदत है, मतलब उनको लगता है कि हमारी उंगलियां सूखनी नहीं चाहिए, ये खत्म हुआ तब तक दूसरा आ जाए, दूसरा आ जाए। तो ऐसे लोगों को भी भगवान कहते हैं देखो ये मनुष्य शरीर कितना खा सकते हो, बीमारियां हो जाती हैं ज्यादा खाओ। एक्चुअली हमारी सारी बीमारियां ज्यादा खाने से होती है, कम खाने से नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कितना खाकर कितना बीमार हो गए, चलो तुम्हें सुअर का शरीर दे देता हूँ। सुअर देखिए दिन भर खाता रहता, उसको कुछ नहीं, हमेशा मुंह नीचे रहेगा, ढूंढता रहेगा कहाँ खाने को मिला, कहाँ खाने को मिला। कभी आपने देखा है कि सड़क पर सुअर खड़ा है मुंह ऊपर करके, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी सोचता है? बिल्कुल नहीं, केवल खाते रहना बस। भगवान कहते सुअर बन जाओ। या फिर किसी को मांस खाने की बड़ी आदत है, लोग गर्व लेते हैं मेरा बेटा तो बिना मछली के खाता ही नहीं। हमारा एक बंगाली फ्रेंड था, तो उसने कहा मेरी लड़की है 3 साल की प्रभु, लेकिन बिना मछली के वो खा ही नहीं सकती। मैंने कहा इतने गर्व से क्यों कह रहे हो, शर्म की बात है कि बच्ची अगर वो खा नहीं सकती, तुमने कैसे उसका पालन किया है कि उसको 3 साल की उम्र में, क्या वो बचपन से ऐसे थी, पैदा होते ही उसने सबसे पहला शब्द मछली कहा था? नहीं, तुमने आदत डाल दी और अब इतना गर्व। तो खैर जिनको आदत है कि जो बिना मांस के नहीं खा सकते, तो भगवान उनको भी कृपा करते कि कितना कष्ट है, मांस खरीदो लाओ साफ करो उसको बनाओ मसाला लगाओ पकाओ और फिर खाओ, सीधा शेर बना देते हैं, टेंशन ही नहीं है, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, कोई मसाला लगाने की जरूरत नहीं, पकाने की जरूरत नहीं, सीधा शिकार करो खाओ। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनको अपना अंग प्रदर्शन करने का बड़ा शौक होता है ना, वो मिस्टर एशिया पता नहीं बाइसेप ट्राइसेप फोरसेप क्या क्या बनाते हैं आजकल, वो कुछ आ गए 6-pack 8-pack पता नहीं, मतलब बॉडी एकदम होनी चाहिए। तो लोग और ऐसे कई हमारे हिंदी फिल्म के हीरो हैं जो शायद ही कपड़ा मतलब शायद ही कमीज पहनते हों, हमेशा वो जरा सा कुछ हो कमीज निकाल देते हैं बॉडी दिखाने के लिए। और फिर वो कॉन्टेस्ट होते हैं मिस इंडिया मिस यूनिवर्स, और उसमें अगर कोई जीत जाए, एक बार हमने देखा था कई साल पहले हमें ध्यान है, तो मिस यूनिवर्स का कुछ था और जो जीत गई थी उसकी तो आंखों में आंसू, हाय हाय, मतलब जैसे सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि हो गई। हाँ, और मतलब इतना उसको खुशी हो रही थी कि बता नहीं क्या उसने प्राप्त कर लिया। और क्या करते हैं वो लोग, सब सब अंग प्रदर्शन। और लोग कैसे देखते हैं, जो व्यक्ति अंग प्रदर्शन करते हैं कोई लोग उनको आदर से नहीं देखते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, जब हम याद करें, अच्छा हमें तो पता नहीं, बताइए कोई मिस वर्ल्ड कोई मिस यूनिवर्स का नाम, मिस इंडिया आप में से किसी को पता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, कोई भी नाम बताइए। सुष्मिता सेन। ओके, सुष्मिता सेन। तो जब हम सुष्मिता सेन का नाम लेते हैं तो क्या हमारा हाथ ऐसे आदर से जुड़ जाता है, बहुत उन्होंने नाम किया भारत का वगैरह? क्या मन में आता है, खास करके पुरुषों के मन में तो केवल उनके अंगों का आता होगा, वो कैसे कपड़े पहनते कम कपड़े पहनते, और वो जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें तो आई थिंक कॉन्टेस्ट में पहनाया ही कम जाता है कपड़े, तो ये आता है। लेकिन अब हम सीता देवी का नाम लेते हैं, जैसे ही सीता देवी का नाम और स्मरण आता है क्या होता है, कोई भी हो हाथ जुड़ जाता है ना, आदर आता है। सीता देवी ने तो कोई मिस इंडिया मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में भाग नहीं लिया था, सीता देवी ने केवल अपने धर्म को निभाया था। तो इसीलिए ये जो बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं बॉडी को, तो भगवान उनको भी कहते हैं कि मनुष्य शरीर एक्सपोज करने के लिए नहीं बना है, इसको ढक कर रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बहुत इच्छा है तो अगले जन्म में पेड़ बना दे, खड़े रहो नग्न, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो खड़े रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें हमारी इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए क्योंकि ये जो दो आगे के दांत हैं ये पशुओं की तरह हैं, तो प्रभुपाद वो भी लिख रहे हैं
कि वो भी आपके लिए नहीं है, वो प्रारंभ में जो आदिवासी भील लोग हैं, आदिवासी जो मांस खाते हैं उनके लिए। आपको पता है मनुष्य जीवन में 400,000 योनियां होती हैं, उसकी प्रारंभ की प्रायः 3,000 योनियां ये केवल पशु के समान, मनुष्य का शरीर हो जाता है लेकिन है पशु समान। आदिवासी जंगल में रहते हैं, मांस शिकार करते हैं। हम अफ्रीका गए थे तो वहां पर हमें एक कबीले से मिले, मसाई नाम है, आप कभी उस नेट पर भी देख सकते हो मसाई। वे लोग आज भी हाथ से शेर का शिकार करते हैं, शेर भागता है उनसे डर, आज भी वो लोग ऐसे हैं और खाते हैं मांस वास, बड़े खतरनाक होते हैं वहां पर। दरअसल हमारा एक मंदिर है वहां किसुमू में, केनिया के एक शहर में, तो वहां जब हम गए तो उनको सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था, तो वो लोग की अजीब सी वेशभूषा होती है जो हम आशा नहीं करते कि सिक्योरिटी गार्ड ऐसी वेशभूषा पहनेंगे, मतलब दूर से देखे तो पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है, ऐसे उनकी वेशभूषा रहती है। हमें आश्चर्य हुआ कि इनको क्यों रखा है सिक्योरिटी गार्ड, तो बाद में पता चला कि बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छे सिक्योरिटी गार्ड है। तो आज भी ऐसे लोग प्रोगरगिरी उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये बहाना नहीं देना चाहिए कि देखो देखो दो दांत हैं, हम भी मांस खा सकते हैं। तो ऐसे ये हमें जो शरीर है हमें इच्छा से मिलता है। हम लोग थोड़ा सा तेज जाएंगे क्योंकि आज ये दोनों मंत्र करने हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि हम सोच रहे थे कि ज्यादा तो तात्पर्य नहीं है, वैसे जनरली पूरा तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो हम लोग दोनों तात्पर्य पढ़ ही लेते हैं पूरा, ठीक है ना? प्रभुपाद ने लिखा है तो पढ़ लेते हैं, और अगर थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा हुआ 10-15 मिनट तो आप दे सकेंगे आज, अगर गया तो प्रयास करेंगे 9 बजे तक ही समाप्त हो जाए, ठीक है? माता जी पढ़िए आगे तात्पर्य। हरे कृष्णा। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है, वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदल कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया, फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया, फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य की इस भौतिक शरीर को त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा और प्राण वायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र में उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठना होता है, जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी मृत्यु होती है न कोई परिवर्तन। तो जो योगी होते हैं वो लोग योग क्रिया के द्वारा, षट चक्र क्रिया कहते हैं, तो उसके द्वारा अपने प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर के जो द्वार हैं 9 द्वार, तो उनसे बाहर निकल सकती है, लेकिन सर्वोत्तम ये होता है कि वो शरीर में जो यहाँ पर इस तरह पर ब्रह्म रंध्र होता है तो उससे बाहर निकले। तो ये योगी होते हैं वे लोग इसको कर पाते हैं, वो षट क्रिया के द्वारा प्राण वायु को ऊपर 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 लाते हैं, यहाँ लास्ट चक्र फिर यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये योगिक क्रिया है। अब आप लोग उसमें विस्तार से मत जाइएगा, प्रभु जी हम लोग भी कर सकते हैं क्या, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने आगे लिख दिया कि क्या लाभ होगा अगर आप कोई अच्छे ऊंचे प्लैनेट पे चले जाओगे, उससे अच्छा है हम भगवान के धाम में प्रवेश करें। तो जो परफेक्शन है, पूर्णता है, वो भगवान के धाम में प्रवेश करना है। ये ब्रह्मलोक में चले जाना, महरलोक में चले जाना, फिर उधर चले जाना, क्या लाभ मिलने वाला है? आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, फिर से वही आना पड़ेगा।
तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन जहां ना मृत्यु है ना बदलाव है, हमारा शरीर बार बार बदलेगा नहीं वहां पर जाकर, और ना मृत्यु होगी। सोचिए कितना अच्छा होगा, अभी तो हम लोग हमेशा चिंता में रहते, अरे मृत्यु ना हो जाए, अरे मर ना जाऊं, अरे कोरोना आ गया अब क्या होगा, अरे ये आ गया, अरे अब या वॉर शुरू हो गई, बचना है, हर समय डर है। वहां कुछ है ही नहीं क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, तो कितने आराम से कितने आनंद में हम लोग रहेंगे। यहाँ कितने डर में है हम लोग, घर के बाहर निकलते हैं जरा से गाड़ी है हम लोग डर जाते हैं, अरे उड़ा नहीं दे गाड़ी, प्लेन में जा रहे हैं डर रहता है, और प्लेन में डराते भी बहुत हैं वो लोग। अब बैठो अभी प्लेन उड़ाई नहीं है, वो लोग कहते हैं कि अगर प्लेन को पानी में उतरना पड़ा तो यहाँ पर ये रखा हुआ है, अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो ऊपर से मास्क कैसे गिर जाएगा। अभी लगता है अभी तो उड़ा नहीं, इतना क्यों डरा रहे हो पहले से ही इतना। कभी कभी डर लगता है कोई पहली बार जाए तो कितना डर जाएगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं, ये सब होना पड़ेगा। अरे पर एक बार एक बूढ़ी महिला पहली बार प्लेन में जा रही थी, तो उसने प्लेन में एंटर किया, उसने कॉकपिट में देखा तो कॉकपिट में एक लेडी बैठी थी पायलट, तो वो उसके पास चली गई, बूढ़ी थी, चलो एयरोस्टेस ने कहा ठीक है यहाँ से बात कर लीजिए। तो उसने कहा कि बेटा तुम उड़ाने वाले हो प्लेन? तो उसने कहा हाँ। तो बोला बेटा जरा संभाल कर उड़ाना, मैं पहली बार चढ़ रही हूँ प्लेन में। तो उस महिला ने कहा कि हाँ आप चिंता नहीं कीजिए, मैं भी पहली बार ही उड़ा रही हूँ प्लेन। तो ऐसे लोगों को डर काफी होता है। तो हम लोग पूरा जीवन भय का जीवन जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत कोई भय नहीं, क्यों? बदलाव नहीं है, मृत्यु नहीं है, यहाँ हम बदलाव से डरते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम कोई स्थिति में चल रहे हैं और हमें पता हो कि यही स्थिति बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा, तब डर चला जाएगा। लेकिन हमें पता होता है क्योंकि इस जगत का स्वभाव ये है कि बदलाव आना ही है, हो ही नहीं सकता कि बदलाव ना आए, इसीलिए हमेशा हम चिंता में रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो। जैसे प्लेन में उड़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत चिंता होती है कि अरे पहुंच जाए बस, समझिए 18 घंटे की फ्लाइट है, 17 घंटे की है, 10 घंटे की है, 6 घंटे की, मतलब पहुंच जाए बस, पहुंच कर लगता है चलो अब ठीक, अब कुछ भी हो जाए प्लेन को कोई बात नहीं। और कभी कभी तो ऊपर बड़ा डराते हैं वो लोग, अनाउंस करेंगे हम लोग 40,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी दिखता है प्लेन आपका 40,000 समुद्र की ऊंचाई से चल, और फिर अचानक हिलने लगता है प्लेन। तो कहते हैं कि मौसम की खराबी के कारण प्लेन को भी आप लोग सब बैठ जाइए एक जगह पर, तो और डर जाते व्यक्ति, अरे ये क्या कर दिया, और वो भी बांध देते हैं सबको कि कोई बचकर भागने ना पाए। तो प्लेन में बड़ा डराते हैं वो लोग। तो ये जीवन ऐसा है प्लेन की तरह, हम हमेशा डर में रहते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें जाना चाहिए आध्यात्मिक जगत जहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बीमारी की, मरने की, बदलाव की, कुछ नहीं। हमें पता है ये ऐसे ही रहेगा, हमारा शरीर अगर 12 साल का है तो 12 साल का ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि मेरा नाम कमल मंजरी है और मेरी उम्र 12.5 वर्ष है। तो 12.5 मतलब उनकी 12.5 ही रहती है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो 22.5 हो जाती है, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,000,000 साल बाद वो 12.5 ही रहे। ये आध्यात्मिक जगत है। तो क्योंकि बदलाव नहीं है इसीलिए भय नहीं, यहाँ बदलाव है। हमें पता है आज हम इतने साल के हैं, 2 साल बाद बीमारी शुरू होने वाली है, बुढ़ापा आ रहा है, तैयारी शुरू कर, लोग भी बोलने लगते हैं और लोग तो बहुत डराते हैं, कोई मर रहा है उसको जाके अरे अब सब छोड़ो, अब भगवान का नाम लो, बेचारा डर जाते क्या होने वाला है, मरना पता नहीं है क्या है, ऊपर से लोग डराते हैं। ये सारा जो हमारा अस्तित्व है इस भौतिक जगत में भय से भरा हुआ, और आध्यात्मिक जगत कोई भय नहीं, इसलिए आध्यात्मिक जगत जाने की कामना करनी चाहिए। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को इसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में
इस सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु उनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग को परमेश्वर का अंश है, एक ही है, चाहे वह शुक्र के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवद गीता 7.19 के अनुसार अनेकानेक जन्मों तथा ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है, अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण के शाश्वत अंश है और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे समुचित गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न हो चुका हो। यस, ब्रह्म ज्योति में जाकर भी वापस आना पड़ता है। भागवतम कहता है पतंति अध: नीचे आते हैं। क्यों क्यों जीव आ जाता है ब्रह्म ज्योति से जाकर वापस? ब्रह्म ज्योति इस जगत के परे है, तो वापस क्यों आता है? क्योंकि वहां कार्य नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नहीं क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। आत्मा बिना कार्य के रह ही नहीं सकता। ब्रह्म ज्योति में कौन सा कार्य करते हैं, कौन सी सेवा करते हैं, वहां पर कौन सा भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, कौन से ड्रेसिंग कर रहे हैं, कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं, तो इसलिए वहां कोई कार्य नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत रह ही नहीं सकता आत्मा, इसलिए वापस आ जाता है। तो ये यहाँ पर वर्णन है कि इस जगत में भी या ऊपर तक भी जाए तो बदलाव होता रहेगा। यही चीज को प्रभुपाद आगे के एक दो पैराग्राफ में भी समझा रहे हैं। नाथ जी, एक दो तीन पैराग्राफ छोड़कर आगे से भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक को समझाते हैं, वहां से पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की वहां से पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों के संतों के ही सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता, लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अतएव भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। यहाँ यही बताया जा रहा है कि हम जब मनुष्य हैं, शरीर है, तो हमारे बद्ध अवस्था में दो कार्य हैं, शरीर का भी पालन करना, शरीर के लिए जो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ आत्म साक्षात्कार के लिए भी कार्य करना, तो ये दोनों हमें करने चाहिए, तो तब जाकर हम अच्छी तरह से अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। वैसे धीरे धीरे हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति हमारे जीवन का अंग नहीं है, भाग नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे और चीजें हैं, ये करना, वो करना, वो करना, भक्ति भी करना, तो भक्ति भी एक भाग है। नहीं, हमें ये जानना चाहिए कि ये जीवन भक्ति का भाग है, भक्ति शाश्वत है। भक्ति कोई छोटी सी एक जीवन की बात नहीं है, भक्ति शाश्वत है। तो भक्ति शाश्वत है और ये जो जीवन है ये भक्ति के, शाश्वत भक्ति का एक छोटा सा भाग है। इसीलिए भक्ति महत्वपूर्ण है, ये जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये जानना चाहिए।
हम लोग क्या सोचते हैं, भक्ति हमारे जीवन का भाग है, मतलब जीवन विशाल है और भक्ति उसका भाग नहीं। भक्ति विशाल है, भक्ति शाश्वत है, जीवन ये जीवन तो छोटा सा उसका भाग है। हमने पिछले जन्म में भी भक्ति की थी, उसके पहले भी की थी, इसके बाद भी करेंगे। तो इसलिए भक्ति शाश्वत है, ये जीवन केवल उसका एक भाग है। माता जी एक पैराग्राफ छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़िए, जहां पर नौ नवदा भक्ति का वर्णन है इस मंत्र में। ऐसा हरे कृष्ण, इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार रूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न नौ दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान करना कीर्तन, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना पाद सेवन, भगवान की अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना दास्यम, भगवान के साथ साक्ष्य भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना आत्मनिवेदन। भक्ति के ये नौ सिद्धांत चाहे एक एक करके जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार ये जो जीवन नौ अंग हैं भक्ति के, ये किसने दिए हैं? ये जो नौ अंग प्रभुपाद ने लिखे, ये किसने बताए हैं हमें? प्रहलाद महाराज ने। तो प्रहलाद महाराज को वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सबको याद रखना चाहिए, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणः। ये नवलक्षणः भक्ति के प्रहलाद महाराज ने दिए हैं। ठीक है, अब आगे प्रभुपाद समझाएंगे कि किन किन भक्तों ने एक एक अंग को पालन करके अपना जीवन पूर्ण किया, तो आपको ये नोट करना है। पहला है कि जो अंग है भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और श्रवण करके किसने अपना जीवन पूर्ण किया, कीर्तन करके किसने किया, अब उसको प्रभुपाद आगे समझाएंगे। पढ़िए मत। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन नौ सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। महाराज परीक्षित ने जो श्रीमद् भागवत के नायक है श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान करा। धीरे धीरे पढ़े माता जी, लोगों को एकदम हमें तो नहीं, हमें लग रहा है बहुत तेज जा रहे हो। आराम आराम से, कोई बात नहीं, हमें कंप्लीट करना है। हम जानते हैं आप भी उसी लिए तेज पढ़ रहे हो कि 18 पूरा हो जाए, लेकिन ठीक है, समय है, थोड़ा सा धीरे जाइए। ऐसा लग रहा है कि आपका प्लेन छूटने वाला है और आप एकदम लेट हो गए, सिक्योरिटी पर खड़े हो और कुछ चिल्ला रहे हो, जल्दी करो जल्दी। महाराज परीक्षित ने जो श्रीमद् भागवत के नायक है श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। ऋतु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। ओके, अभी आप सब लोग सामने देखिएगा, नीचे नहीं, बुक को नहीं देखिए, सामने देखिए। और अभी हम आप में से किसी से भी पूछेंगे कोई भी अंग का, तो आपको उत्तर देना है उसका। ठीक है, नीचे बिल्कुल नहीं देखिए, जो नीचे देख रहे हैं उनको नहीं पूछेंगे, तो सामने एकदम सामने आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आप बुक नहीं देख रहे हैं। अरे सामने स्क्रीन भी नहीं रखना है, सॉफ्ट कॉपी। तो ओके, वो तो हम इतना तो विश्वास आप लोगों के ऊपर करते हैं, आप लोग सब महान भक्त हैं। सो अब एक एक से हम पूछेंगे तो आपको केवल उसका उत्तर देना है। ठीक है, अरविंद प्रभु अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले, फिर पूछेंगे। ओके, रेडी? आवाज नहीं आ रही आपकी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हाँ रेडी ना? यस प्रभु। ओके, आप बताइए अर्चना के द्वारा किसने अपने जीवन को पूर्ण किया? ऋतु महाराज। वेरी नाइस, एक्सपर्ट लोग हैं सब आप लोग। उर्वशी माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, सामने देखिए एकदम। हाँ नहीं। ओके, वंदनम के द्वारा किसने अपने जीवन को पूर्ण किया? अक्रूर जी ने, बहुत अच्छा। ओके, रामपति रामेश प्रभु
अनम्यूट कीजिए। हमने देख रहे हो ना आपके तो स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है? नहीं प्रभु, आप ही दिख रहे हैं। अच्छा, दुर्भाग्य है आपका। नहीं नहीं प्रभु। हाँ, श्रवण के द्वारा किसने अपने जीवन को पूर्ण किया? परीक्षित महाराज। वेरी गुड। व्रज विलासिनी सखी माता जी, yes, आत्मनिवेदन किसने किया? आत्मनिवेदन बलि महाराज ने। वेरी गुड। और नरेंद्र प्रभु, सारे नौ अंग किसने पालन किए? प्रहलाद महाराज ने। हरे कृष्णा। अभी सोचते थे कोई तो एक रॉन्ग मिले, सब सही सही उत्तर हो रहा है। सारे नौ अंग अम्बरीश महाराज ने किए, लिखा है ना प्रभुपाद ने। सारे यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन सारे अंग का जो वर्णन, इसलिए मैं पूछ लिया। सारे अंग नौ के नौ अम्बरीश महाराज ने किए। वो श्लोक है ना, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर माजना दिशु। तो ये श्लोक में बताया गया कि उन्होंने सारे अंगों का पालन किया, तो इसीलिए वो सारे अंगों के लिए आते हैं। ठीक है, अब आगे नहीं पूछेंगे, हम जानते हैं आप लोग सब बड़े एक्सपर्ट हैं। मतलब जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक सूत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी तथा आध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। तो सुखदेव गोस्वामी, ये उस समय की बात है जब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, कहा गया 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने स्वीकार किया, हालांकि परीक्षित इतने महान भक्त थे कि चाहते तो उसको रोक सकते थे। परीक्षित ने कहा कोई बात, शायद भक्त मैंने अपराध किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। तो 7 दिन बाकी थे, तो सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आए और ऋषि मुनियों से पूछने लगे। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे, तो परीक्षित महाराज पूछ रहे सबसे, क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जो मृत्यु के कगार पर है? 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या करना चाहिए बताइए। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज दे रहे, महाराज आप ये कीजिए, महाराज आप प्रायश्चित कीजिए, गरम गरम घी पी लीजिए, ये करिए, वो पता नहीं क्या क्या सब उनको बताया जा रहा था। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए इन सब चीजों से, और उतने में सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी दिखने, 16 साल के लड़के बच्चे दिखते हैं, 16 साल के लड़के, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सारे जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने प्रणाम किया उनको दंड। तो परीक्षित महाराज ने देखा, अरे ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी आए। तो फिर उन्होंने भी उनसे यही प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने पूछा कि जो मृत्यु के कगार पर है उसके लिए क्या करना जरूरी है, उसको क्या करना चाहिए, मरने वाला है अब तो। अगर इस जगत में किसी से पूछा जाता तो वो कहते कि देखो अपना जो बैंक बैलेंस है उसको चेक करो, कहाँ कहाँ डिवाइड करना है उसको तुरंत करना चाहिए, शेयर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं सेल कर दो अगर अच्छा रेट है मरने से पहले, तो ये सब चीजें होती थी। लेकिन परीक्षित में सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अपने राज्य का ऐसे करो जो कहाँ पर आपका धन पड़ा है सब। तो उन्होंने क्या कहा, आगे श्लोक प्रभुपाद कहते हैं, तो उन्होंने कहा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो उसको प्रभुपाद लिख रहे, माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है? सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उसका गुणगान करे तथा उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। भागवतम 2.1.5। तथा यस, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा। हमने ताली नहीं बजाई, सब लोगों ने ताली बजाना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ा। श्लोकों को ऐसे पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए, ताकि आनंद आए। आगे पढ़िए मैम जी। तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने, परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत हो, घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनकी महिमामय लीलाएं उनके अभिन्न हैं। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लगा रह सके। श्री शोकनिषद हमें ऐसे देवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद बता रहे हैं। इस तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद ने प्रारंभ किया कि लोग बहुत कुछ सुनते हैं, परीक्षित महाराज को भी यही कहा, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेषु गृहमेदिनाम। कि लोगों के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है, श्रोतव्यादीनी राजेंद्र निणाम संति सहस्त्रशः, और है ना न्यूज़पेपर, इंटरनेट, पता नहीं क्या क्या, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, आगे आपको पता होगा, हमारी तो इतनी नॉलेज है। तो इतनी सारी चीजें लोगों के पास सुनने के लिए बढ़ती जा रही हैं, और सुनते क्या, उसका लाभ क्या है, कुछ नहीं। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र निणाम संति सहस्त्र अपश्यताम आत्म तत्वम, भक्ति के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, आत्मा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको सब आंख बंद कर देना चाहते हैं उसके बारे में, जैसे ही बात हो आत्म साक्षात्कार, अरे नहीं नहीं वो सन्यासियों के लिए, हमारे लिए नहीं भक्ति, अरे नहीं नहीं वो तो गरीब लोगों के लिए है, दुखी लोगों के लिए है, जो दुखी है वो जाकर भगवान से मांगे, हम क्यों मांगे उनके लिए, भक्ति मतलब केवल मांगना, जिसको दुख है वो जाए, हम क्यों जाए। तो ये सारी धारणाएं गलत धारणाएं हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि एक क्षण भी बर्बाद किए बिना, मतलब कृष्ण भावनामृत की अर्जेंसी को प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत हमारे लिए चुनाव की बात नहीं है, कृष्ण भावनामृत इज अ कंपल्शन फॉर अस, वो होना ही चाहिए कृष्ण भावनामृत, ये अनिवार्य है, चुनाव की बात नहीं है कि हम करें या ना करें, और जब अनिवार्य है तो हमें एक क्षण भी बर्बाद किए बिना तुरंत भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है, कृष्ण भावना में कितनी क्या अर्जेंसी है, पता नहीं कब ये जीवन चला जाए। राजा कुलशेखर कहते हैं, प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार कहा करते थे, तो राजा कुलशेखर कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निवधो स्मरणं कुतस्ते। तो वो कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राज, मेरे मन रूपी राजहंस को आपके चरण रूपी सरोवर में, चरण कमलों में बसने दीजिए अभी। क्यों क्यों जाना है अभी, क्यों बाद में आना। तो वो कहते हैं प्राण प्रयाण समय, जब मृत्यु आएगी, कफ वात पित्त, गला भर जाएगा कफ से, वात से, पित्त से, कंठावरोधम स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कहाँ आएगा तब, तब तो यही चिंता होगी, आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। और सही होता है ऐसा, जिसकी मृत्यु हो रही है उसको तो बहुत कष्ट होता है, और अगर वो भक्ति में नहीं है तो उससे ज्यादा कष्ट होता है।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मृत्यु है क्या। आप सोचिए कि कितना भयानक स्थिति है कि किसी को पता नहीं मृत्यु क्या है। अब वो मर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है क्या होगा, मुझे काटा जाएगा, उसके बाद जलाया जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कितनी अनिश्चितता है, कितना भय आ जाएगा। अभी हम लोग कहीं जाते हैं, हमें सब पता होता है, एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेनी है, वहां जाना है, वहां उतरना है, वहां से गाड़ी, सब पता है, इसलिए हम डरते कम हैं, फिर भी डर लगता है। आप सोचो कुछ पता ही नहीं हो क्या होने वाला है आपके साथ अगले क्षण, आप अगला पांव बढ़ाओगे धाड़ ऊपर से कोई काट देगा आपको, ये मृत्यु है, समझ आदमी घबराएगा क्या होने वाला है, या फिर मृत्यु मतलब मैं हूं और मैं गायब हो जाऊंगा। राइट, इतनी भयानक स्थिति है। इसीलिए साधारणता लोग मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग देते हैं, क्योंकि उनको इतना डर लगता है कि पता नहीं क्या है। तो राजा कुलशेखर देते कहते कंठावरोधम स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कहाँ आएगा, इसीलिए अभी इसी समय मुझे भक्ति कर लेने। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षण व्यर्थ मत कीजिए, अभी इसी समय, वेट मत कीजिए कि मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण करेंगे, आज ही शुरू करना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान के अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को अनेक स्वार से रोकना, मनुष्य को। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद ने कहा है, यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों का जो स्वार्थ है या जो इंद्रियां जो चाहती हैं उससे उनको रोकना, ये यज्ञ है, और व्यक्ति को ये सीखना चाहिए। पूरा पढ़ लीजिए माता जी आगे। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। अभ्यास करिए जीवन भर और उसका फल मिलेगा मृत्यु के समय। तो क्या अभ्यास है हमारा, यज्ञ, और यज्ञ क्या है, इंद्रियों को, जो इंद्रियों का स्वार्थ है, जो इंद्रिय चाहती हैं उससे रोकना, और व्यक्ति को इसका सीखना चाहिए ये कला, इंद्रियों को सही जगह पर लगाना, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो मतलब जीवन में हमें भक्ति की कला को सीखना है। तो कोई कहे कि यज्ञ क्या है, अरे आप लोग यज्ञ नहीं करते, बोलो हम लोग रोज यज्ञ कर रहे हैं, एक तो हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं और दूसरा इंद्रियों को वश में करने का यज्ञ कर, तो ये हमारे लिए यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है, क्यों यज्ञ कहा गया, यज्ञ में एक अग्नि होती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं, और एक आहुति डालने वाला होता है, कम से कम ये तीन चीजें तो चाहिए यज्ञ में, एक आहुति डालने वाला हो, अग्नि हो और आहुति डाली जाए। तो ये जीवन क्या है हमारा, जो भक्ति का जीवन है या मनुष्य जीवन, इसमें भी ये तीनों चीज हैं, आहुति डालने वाले हम हैं आत्मा, अग्नि कृष्ण भावना मृत की है, और उसमें अपनी इंद्रिय की तृप्ति की आहुति दी जाती है, ये प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, इसीलिए वो यज्ञ है। तो जीवन में क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना मृत की अग्नि में अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना की आहुति दे देनी चाहिए, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। कृष्ण भावना मृत के आधार पर हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दूसरे शब्दों में कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और उसको सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया। तो ये यज्ञ हर भक्त को करना चाहिए, अर्थात हम इंद्रिय को वश में किए बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम शराब पीते पीते, सिगरेट, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि लोग भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं, गला सूख जा, कहते लाओ जी जरा बीड़ी लेकर आओ, तो ये कोई भक्ति नहीं है। इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे तो क्या भक्ति करेंगे, फिर तो भक्ति के नाम पर भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर कृष्ण को थोड़े समय टॉलरेट करेंगे। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं, कृष्ण आपकी आपको एक बार क्षमा कर सकते हैं, दो बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कृष्ण के लिए भी कठिन हो जाता है। जब हमने ये पढ़ा था तो हमने कहा कृष्ण के लिए क्यों कठिन हो जाता है, कृष्ण तो कितनी बार भी क्षमा कर सकते हैं, हजार बार कर सकते, तो प्रभुपाद ने ये क्यों कहा, क्योंकि कितनी बार करेंगे, कर तो चुके हैं, तो आप जानबूझकर गलती करते रहोगे तो फिर भगवान कहाँ क्षमा करें, फिर भगवान कहेंगे
तान हम दुष्य तान क्रूरान, वो जो 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को तो मैं नरक में ही रखता हूँ। तो इसलिए हमें भक्ति बड़ी गंभीरता से करनी चाहिए, ये इस श्लोक में कहा गया है, ताकि अंत में हम भगवान का स्मरण कर सकें बड़ी अच्छी तरह से। अब आखिरी प्रार्थना है 18वां मंत्र, भक्त की आखिरी प्रार्थना जहां वो कृष्ण को पाना चाहता है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने मृत्यु के क्षण की बात की, तो आपसे एक प्रश्न पूछना है, हम में से कितने लोग मृत्यु के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार होंगे? हाथ वहीं से ऐसे ऊपर कर दीजिए, हमें दिख जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? एक। अच्छा, दरअसल हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अभी तक अपने पारिवारिक आसक्ति को त्यागा नहीं। हमारे लिए आज भी हमारा परिवार, हमारा समाज, ये भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर में कुछ हो जाए, हम मंदिर जाना बंद कर सकते हैं। जरा से हमारे घर में परिवार के लोगों को कुछ हो तो, कभी कभी तो हमने लोगों को ऐसे देखा है भक्ति करते हुए, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जब तक सब कुछ ठीक रहता है बढ़िया भक्त हैं। और जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, कई साल पहले की बात है, करीब 20-22 साल पहले की बात होगी। हम एक मंदिर में थे तो वहां पर एक माताजी आते थे, तो उनका लड़का भी ऑलमोस्ट हमारी उम्र का था उस समय, हम 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हम थोड़ा सा यंग थे, बूढ़े नहीं थे। तो उनका लड़का आता था हमारे साथ ही, वो भी तो उनकी माँ मदर थी, तो हम बातचीत करते थे तो देखते थे कि बड़ी अच्छी भक्त है, जब करना ये करना, सेवा करना मंदिर में बहुत करते थे। फिर एक दिन उनका लड़का भाग गया ब्रह्मचारी बनने के लिए, मतलब उसको बनना था, तो उसको पता था माँ तो अलाउ करेगी नहीं, तो भाग गया ब्रह्मचारी बनने के लिए। और तब हमने उनका रूप देखा, माय गॉड, हम तो आश्चर्य हो गए कि ये भक्त हैं, इतनी निंदा इस्कॉन की, इतनी निंदा इस्कॉन की, इस्कॉन वाले सब ऐसा करते हैं, इस्कॉन वाले ये किया, मैं छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी। उफ, हमने सोचा कैसे भक्त हैं। वो गया किसके लिए है? शराब पीने नहीं गया, स्त्री संग करने नहीं गया, वो ब्रह्मचारी बनने गया, और आप भक्त हो। चलिए अगर आपको तो भी इतना तो निंदा तो नहीं करनी चाहिए भाई, आपको दुख हुआ, आप ये कह सकते हो कि ये तरीका ठीक नहीं है, उसको जाना था तो ठीक से बातचीत करके जाना, वो ठीक है, लेकिन इस्कॉन वाले ऐसा करते, इस्कॉन वाले ये करते। तो हम सोच रहे थे कहाँ गई इनकी भक्ति, क्या हुआ, क्यों अब अपना। और अगर ऐसा ही वो सुनते किसी और लड़के के बारे में तो शायद इतना नहीं कहते इस्कॉन, तब वो दूसरी तरह से कहते कि अरे ठीक है, मंदिर में ही जा रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं, अपना बच्चा गया तो इतना निंदा। ऐसा होता है ना, किसी दूसरे की कार में, समझिए आप जा रहे हो, नई कार किसी ने की है, बच्चे ने कुछ मार दिया और वो चिल्ला रहा है उसको, ए तुझे, तो आप क्या कहते हो उसको, जाके कंधे पे हाथ छोड़ने, बच्चा है, कर दिया, क्या इतना कार के लिए इतनी क्यों चिंता करना। लेकिन अपनी कार में लग जाए तो उससे ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो इसीलिए अभी हम तैयार नहीं हैं, हमें तैयारी बहुत करनी है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उस समय सब कुछ छूटने वाला है। तो तैयारी कीजिए, मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए, अभी समय नहीं है, नहीं तो हम लोग एक एक्सरसाइज करते कि आप बस मृत्यु के क्षण पर हैं, अभी इसी समय क्या सोचेंगे। हाँ भक्त हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है तो बोल देते, नहीं भगवान का स्मरण करेंगे, हमारे हरि नाम लेंगे, ये लेंगे, लेकिन सीरियसली ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है हम लोग कर पाएंगे। जब जीवन में कष्ट होता है, दुख होता है, तो क्या भगवान का स्मरण आता है, या फिर पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं कि भय में हो जाते हैं कि कैसे होगा। अचानक किसी की नौकरी चली जाती है, उसने अच्छी नौकरी थी तो 2 फ्लैट खरीद लिए, उसको लोन पे चढ़ा, लोन दे रहे हैं उसका हर महीने, फिर ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, अचानक नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिल रही, कितना दुखी हो जाता है वो व्यक्ति। भगवान पर आश्रित होता है कि ठीक है, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुहार, तो वो चिंता में रहता रहे अगर अगले महीने तक नौकरी नहीं मिली, ये कहाँ से देंगे, लोन कहाँ से दे, फ्लैट बेचना पड़ेगा, क्या होगा, अरे अरे मैंने ऐसा कर लिया, परिवार वाले क्या करेंगे, बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए हम तैयार नहीं है, केवल नौकरी चले जाने से अगर हम ऐसे करते हैं
तो फिर अगर शरीर जा रहा होगा, प्राण जा रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये अब आखिरी प्रार्थना को हम लोग पढ़ लें, कहीं रह ना जाए, समय कम हो रहा है। आप लोगों के जो प्रश्न हो हम सोचते हैं थोड़ा सा बाद में ले, लास्ट में इसको पूरा कर लें। दीपक प्रभु, आपका कोई शायद प्रश्न है, अगर आप रुक सकते हैं या अभी अभी पूछना है, नहीं तो आप सर पटक पटक कर जान दे देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रश्न नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने जी पढ़ना चाहता। ओके ओके ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। अनीता मेहता जी, आप थोड़ा रुक जाइए, अगले थोड़ा सा इसको आधा आधा पढ़ लेंगे, आप आधा पढ़िएगा, आधा प्रपोज पढ़। ओके, सो 18वां मंत्र, आखिरी मंत्र ईशोपनिषद का, और ये आखिरी प्रेयर है, प्रार्थना है भगवान की, भक्त की जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। अग्ने नय सुपथराय अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान युयुध्योस्मजुर्हान्मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अनुवाद पढ़िए प्रभु। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अब अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किए गए सब कुछ जानते हैं, अत्य एवं मुझे विहित पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो यहाँ पर भक्त क्या मांग रहा है, प्रार्थना क्या है? शुद्धिकरण के लिए और समर्पण के लिए प्रार्थना है। अब यहाँ भगवान को अग्नि कहकर संबोधित किया गया है, अग्ने, हे अग्नि। तो भगवान को अग्नि क्यों कहा गया है? अग्नि तो एक देवता है, भगवान को अग्नि तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, भगवान आप जो अग्नि के समान हैं, ऐसे कुछ कह सकते थे, सीधा अग्ने नय सुपथराय अस्मान, हे अग्नि। भगवान को अग्नि कहकर क्यों संबोधित किया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लें, तब फिर आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान को यहाँ अग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी देवताओं के नाम हैं, वो दरअसल भगवान के ही नाम हैं, विष्णु के नाम हैं। तो ये कहा गया है जो ब्रह्म सूत्रों में इत्यादि, कि इस जगत के जितने भी नाम हैं वो भगवान से अभिन्न हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं कि जितने भी ये नाम हैं, ये सब दरअसल कृष्ण के ही नाम हैं, ये देवताओं के जो नाम हैं सब कृष्ण के नाम हैं। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि भगवान एक नारायण नाम छोड़कर बाकी जितने भी अन्य कुछ नाम थे, कुछ अन्य नाम, सारे नहीं, नारायण छोड़कर कुछ अन्य नाम भगवान श्री हरि ने देवताओं को दे दिए, जैसे शिव और अन्य देवताओं को उन्होंने नाम दे दिए। तो अर्थात स्कंद पुराण कहता है कि जितने भी नाम देवताओं के हैं, भगवान के ही नाम हैं, वो दिए गए हैं। तो इसीलिए भगवान को यहाँ अग्नि संबोधित करना कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अरे कैसे, फिर हम पता कैसे चले कि वो देवता को संबोधित कर रहे हैं या भगवान को? तो हमें एक नियम का पालन करना चाहिए। क्या नियम का? कि जब ये नाम साधारणता कोई विरोधाभास प्रकट ना करें, तब तो उन्हें वेदों की शिक्षाओं के अनुसार उन्हें देवताओं का नाम मान लेना चाहिए। लेकिन जहां विरोधाभास आ जाए, जैसे यहां पर आ रहा है कि अभी तो हम सब भगवान से प्रार्थना हो रही, फिर अग्नि कैसे कह दिया, ये विरोधाभास हो गया। जहां विरोधाभास हो तब समझ लीजिए कि वो भगवान का नाम, सरल रूल है। जहां नहीं हो विरोध, कहा जाता है कि इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि सब खड़े हैं, तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, सारे देवता खड़े हुए हैं, तो वो देवताओं का नाम। लेकिन जब ऐसी चीजें हों कि भगवान को कहा जा रहा है अग्नि नय सुपथराय अस्मान, ये विरोधाभास है, तो ये भगवान को संबोधित करता है, क्योंकि नाम सारे भगवान ने ही दिए हैं। ठीक है, सो अब आगे इसका तात्पर्य पढ़िए, समाप्त करें इसको जल्दी, कहीं ऐसा ना हो समय हो जाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय प्रभुपाद। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार
के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित हैं, जिसकी पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है। उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है और उनकी विशेष और उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड तथा कर्मकांड पद सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों से लेश मात्र भी विचलित होने पर विकम में परिणित हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकम भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्र तृप्ति के लिए किए जाते हैं। अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो भगवान हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उसको जला सकते हैं, इसलिए अग्नि है। तो कैसे जला सकते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे कर्म फल हैं भक्ति के द्वारा, तीसरे स्कंद में माता देवहूति कहती हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसके द्वारा जीव का सूक्ष्म शरीर भी पिघल जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। मन में क्या है? ये सारे विचार, पाप की भावना, पाप के बीज। तो सूक्ष्म शरीर जल जाना मतलब कोई कर्म फल नहीं रहता, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को अग्नि भी कहा गया कि भक्ति ये बड़ी श्रेष्ठ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अन्य जो पथ हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे पथ हैं भगवान को प्राप्त करने के, लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसको प्रभुपाद समझा रहे। पढ़िए प्रभु आगे। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियों या प्राणियों के रूप है, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्र संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ब्राह्मण सभ्यता के क्या क्या लक्षण, क्या क्या चीजें प्रभुपाद ने दी हैं। यहाँ पर 6 चीजें प्रभुपाद दे रहे हैं, सत्यता, आत्मसंयम और सरलता, पूर्ण ज्ञान, भगवान में श्रद्धा। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने उच्च कुल का गर्व करे। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। ज्यों ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुण तो प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, यूं ही वह विपत्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। ओके, तो मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? अगर हम अच्छे से भक्ति कर सकें। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि इसको जो जरूरी चीज है उसको पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया होगा, एक कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाया कि नहीं बनाया, कितने लोगों ने बनाया है एडवर्टाइजमेंट, हाथ ऊपर कीजिए। ओके, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं बनाया लगता, हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं। उत्मांगी माता जी आपने नहीं बनाया? ओके, ठीक है ठीक है।
सो अभी इसको कंप्लीट करके फिर आपके वो सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखने हैं, मृत्यु से कैसे बचना है, है ना? तैयार है ना सब लोग बनाकर? सो आप लोग रेडी रखिए, अभी वो भी देखेंगे आपके। तो इसको हम कंप्लीट जल्दी करते हैं जो महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से प्रार्थना है कि जो चीजें हमने छोड़ी है तात्पर्य में उसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो समय के अनुसार थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आपके कुछ वहां से आ जाए, उसको पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो अभी अनीता माता जी आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ लीजिए, आपने भी हाथ उठाया था, आज आखिरी दिन है फिर तो पढ़ने नहीं मिलेगा, तो आज दो तीन लोगों को अभी अनीता माता जी और उसके बाद आखिरी का कोई और भी एक पढ़ सकते हैं। सो अनीता माता जी यहाँ से पढ़िए, जहाँ वो सोपाद मूलम भजतः प्रियस, उसके ऊपर जो तात्पर्य, उसके ऊपर जो पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। जहां तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवत 11.542 में कहा गया है, स्वपाद मूलं भजता प्रियस्य तत्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्मय चोत्पति। थोड़ा प्रेम से पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रेम से। ये श्लोक आए तो हमें पता नहीं, हमें वैसे कोई पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मर्डर किया जा रहा है उनका। थोड़ा प्रेम से। स्वपाद मूलं भजता प्रियस्य, ऐसे पढ़िए पढ़िए। स्वपाद मूलं भजता प्रियस्य तत्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्मय चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जय जय, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। हां जी, अब आगे पढ़िए। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। आगे पढ़िए। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है, भद्र जीव प्राय त्रुटि करता रहता है, और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहें। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं, इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला साथ। तो यहाँ आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट कीजिए, भगवान कैसे एक भक्त को दो प्रकार से निर्देश देते हैं। यस, पढ़िए मतलब। पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। हाँ, सो भगवान दो प्रकार से हमें निर्देश देते हैं भक्त को। एक साधु गुरु, साधु शास्त्र जैसे यहाँ पर लिखा है, और फिर दूसरा स्वयं बैठे हुए हैं ना अंदर परमात्मा के रूप में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बैठे हैं तो वो खुद भी देते हैं। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, भक्ति करें, तो इसीलिए साधुओं को भेजते हैं, शास्त्र देते हैं, गुरु को देते हैं, खुद आते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, क्या क्या नहीं करते, केवल हमें वापस ले जाने। तो कहना चाहिए कि भगवान ने प्रण लिया है कि मैं इनको वापस लेके जाऊंगा, और हम लोगों ने प्रण लिया है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का हम जाना नहीं चाहते हैं, भगवान ले जाना चाहते हैं। ये हमारी मूर्खता है, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो प्रण करके बैठे हैं कि जाएंगे नहीं यहाँ से।
तो ये उद्देश्य है। ठीक है, अभी आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी दो पैराग्राफ है, में भी कोई दो दूसरे भक्त पढ़ सकते हैं। अनिता माता जी आपकी अनुमति हो तो किसी और को कह दे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ओके, पूनम माता जी। हरे कृष्णा। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवे प्रभक्ति यथा देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप से प्रकट होते हैं। इस तरह ये चीजें हम लोग रोज गाते हैं और इसको हमें मन में बिठाना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात भक्त प्रभुपाद लिख रहे हैं। पहली चीज कि जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है कैसे प्राप्त होता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मना। हाँ, यस्य देवे पराभक्ति, जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, यथा देवे तथा गुरु, जैसी भगवान की करें वैसी ही गुरु की करनी चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु को भगवान माने, ये मन में नहीं लाना चाहिए कि गुरु ही भगवान है। गुरुर विष्णु, क्या वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे कहते हैं ना। उसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ही सब है, वही भगवान है। अर्थ ये है कि वो भगवान के समान है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। क्यों भगवान के समान है? क्योंकि उनका संपर्क भगवान से है, भगवान के संपर्क में आके वो पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं और इसीलिए हम उनको महत्व देते हैं। आज हम प्रभुपाद की इतनी बात करते हैं, क्यों करते हैं? केवल इसलिए कि वो भगवान के भक्त। मान लीजिए वो भगवान के भक्त नहीं होते और उन्होंने कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए होते, हम उनकी बात करते इतना बैठ कर? कोई नहीं करता। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं, हो सकता है कि नहीं कि 500 ऑफिस हों, 600 ऑफिस हों, हम कोई चर्चा नहीं करते प्रभुपाद की, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि हमें गुरु का आदेश वैसे ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान तो आकर आपको हर बार आदेश नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान रोज आपके स्वप्न में आएंगे, हाँ भाई चलो आज करेला बनाना, आज ये करना। नहीं, आदेश हमें गुरु देते हैं। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि ये समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा गुरु की कृपा से आती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपी। यस्य प्रसाद, अगर गुरु की कृपा हो भगवान की कृपा आएगी ही। क्यों? भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने कह दिया तो ठीक है कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पिता हो, बड़ा अमीर हो, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया हो, और उसकी कोई एक लड़की हो, उससे वो बहुत प्रेम करता है। अब वो लड़की आकर कहे कि इसको आप 1 करोड़ रुपया दे दो ये व्यक्ति को, तो पिता क्या पूछेगा? पिता कहेगा कि चुप जा, कुछ नहीं देना है। अगर सही में प्रेम करता है, हाँ बच्ची ने कहा ठीक है 1 करोड़, क्योंकि वो तो करोड़ों करोड़ों पति आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ देने में, तो ठीक है ले जा, मेरी बेटी ने कहा इसलिए दे दिया। प्रेम, तो भगवान प्रेम करते हैं। तो जब गुरु कहते हैं कि अरे भगवान थोड़ा सा इसके ऊपर आप कृपा कर दीजिए, पात्र नहीं है बिल्कुल, पापी आदमी है, कर दीजिए, मेरी संस्था में आ गया, इस्कॉन में आ गया, भगवान कहते ठीक है। प्रभुपाद ने कहा कर, फिर भगवान देखते नहीं कि क्या है, 1 करोड़ का क्या करेगा, मेरी कृपा का क्या करेगा, ठीक है प्रभुपाद ने कहा। तो यस, तो इसलिए यहाँ कहा गया है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि गुरु की कृपा से, तो गुरु प्रसन्न हो और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे। अच्छा, भगवान प्रसन्न हो और गुरु प्रसन्न ना हो तब क्या होगा? एक चीज है, गुरु प्रसन्न है भगवान प्रसन्न नहीं है आपसे, तो आपके ऊपर कृपा आएगी क्या? नहीं आएगी, निश्चित आएगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यहाँ ये नहीं लिखा कि भगवान की कृपा तब आएगी जब भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं, गुरु प्रसन्न हो गया, कृपा आ गई आपके ऊपर। अच्छा, गुरु प्रसन्न नहीं है और भगवान प्रसन्न है तब क्या होगा? यस्या प्रसादात न गति कुतो,
इसीलिए प्रमाणिक गुरु को हमें भगवान के समान ही उनका आदर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और यही स्वभाव हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए मंत्र जी। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूर्ण समर्थ से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्ति के भौतिक मोह की माया में पूर्ण पतन की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से सुरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है और श्रीमद् भागवत 1.2.17-20 में इसकी और व्याख्या हुई है। ओके, सो ये जो आगे कहा गया है वो सारे जो एक से जो भागवतम का 17-20 तक दूसरे अध्याय के श्लोक हैं उसको सार में प्रभुपाद ने लिखा है। आखिरी पैराग्राफ है, तो अब ये आखिरी पैराग्राफ ब्रज विलासिनी सखी माता जी पढ़िए। ईशोपनिषद का आखिरी पैराग्राफ आपने हाथ उठाया था ना। यस माता जी। हरे कृष्णा। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितेच्छे हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुणों रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतया लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबद्ध हो जाता है और इस प्रकार वह भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो जो सारे संशय घटते जाते हैं त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट जाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज अब आप लोगों का ये पूर्ण हुआ और प्रभुपाद ने जो अंत में दिया है, जैसे हमने बताया कि उन श्लोकों को प्रभुपाद ने दिया जो प्रभुपाद ने अपने भजन में भी लिखे हैं। मार्की ने भागवत धर्म, प्रभुपाद ने भजन लिखा, तो इन्हीं श्लोकों को लिखा है, सार है। सो एक बार हम लोग इन सब श्लोकों को गाएंगे, हम गाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। जो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से है, 17-20। शृंगताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तुय भद्राणी विधुनोति सुहृत् सता। आगे वो कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक जो आता है उसमें बताया गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतये तैरानावेद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त
सत्संगस्य जायते। हरे कृष्णा। श्री शुभनिषद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मांगी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है आपका, पूछ सकता है? हाँ जी पूछ। आपने अभी बोला था गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न होता है। वैसे भी इसमें बलि चक्रवर्ती का संदर्भ में शुक्लाचार्य प्रसन्न नहीं है दान देने का। दान देने का कारण भी बताता है बलि शुक्लाचार्य ने, जैसा प्राण संकट में होता है तब हम लोग जो वचन दे दिया वो वचन तोड़ सकता है, ऐसा कुछ कुछ बातें बताता है, वो धर्म का भी बताता है, लेकिन बलि चक्रवर्ती ने मना करता है। प्रश्न पूछिए मत, स्टोरी में आपका क्वेश्चन क्या है? प्रभु जी वही है, गुरु का इधर गुरु प्रसन्न नहीं है, बलि चक्रवर्ती का खदा में गुरु प्रसन्न नहीं। ओके, आपका उत्तर ये है कि वो गुरु प्रमाणिक गुरु नहीं होता जो भगवान की सेवा के विरोध में बात करे। यहाँ जब हम बात करते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, वो प्रमाणिक गुरु है जो केवल कृष्ण भक्ति की ओर हमें ले जाए, गुरु उसको कहा जाता है। और शुक्राचार्य जी क्या कर रहे थे, वो देना चाहते, सेवा करना चाहते, उनको रोक रहे, तो इसीलिए उस गुरु को त्याग दिया। ऐसे सब लोगों को त्यागा जा सकता है। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है पांचवें स्कंद में, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, दैवम न सस्यात, कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, संबंधी नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने आश्रितों को मुक्त नहीं कर सकते, उसको गुरु नहीं कहा गया। तो इसीलिए गुरु कौन है, जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, क्यों? भगवान के विरोधी। भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान की विरोधी थी। तो इस तरह अलग अलग उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान के विरोधी थे। तो इसीलिए गुरु न सस्या, जननी न सस्या, पिता न सस्या, दैवम न सस्या, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हमें बहुत स्पष्ट हमारे मन में जानकारी होनी चाहिए कि शुक्राचार्य जी प्रमाणिक गुरु नहीं है, इसीलिए बलि महाराज का गुरु को त्यागना एकदम सही। हम गुरु को त्याग सकते हैं कब? हम एक बार IDC कोर्स पढ़ा रहे थे, डिसाइपल कोर्स। डिसाइपल कोर्स में एक विषय आता है, गुरु को कब त्यागा जा सकता है। हमने उन लोगों से कहा अभी तो आपने गुरु को स्वीकारा ही नहीं और हम आपको बता रहे हैं गुरु को कब त्यागा जा सकता है। तो हमने वही उदाहरण दिया कि इस तरह है कि प्लेन में आप बैठे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि अगर प्लेन को पानी में उतरना पड़े, अगर ये हो जाए तो क्या करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा होगा। तो खैर, गुरु को कब त्यागा जा सकता है, जब गुरु हमें भगवान की भक्ति के विरोध में। ठीक है माता जी। ओके उर्वशी माता जी, आखिरी प्रश्न, क्योंकि फिर हम लोग समय नहीं होगा आप सबका। मेरे दो प्रश्न थे परंतु मैं इम्पोर्टेंट है वही पूछ रही हूँ प्रभु जी। मुझे OBA के खाली एक सेंटेंस के बारे में आपको मुझे जानना है। सामान्य रूप से इस्कॉन के भक्तों के अनुभव से उदाहरण दे, इसमें क्या कोई भी जनरल जो हम जानते हैं या फिर हम किसी का नाम लिख के ऐसा उदाहरण दे दें इस्कॉन के भक्त का? जरूर इस्कॉन के भक्त होने चाहिए। आप नाम लिख दें, कोई वरिष्ठ भक्त इत्यादि, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नाम ना लिखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन जैसे संदर्भ देंगे अगर तो नाम लिखने से अच्छा होता है। जैसे हम बताएं, जैसे मान लीजिए उदाहरण दें कि हम उदाहरण देना चाहते हैं कि इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं जैसे कभी भी मंगल आरती कभी नहीं मिस करते हैं। तो हम उदाहरण देते हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने कभी मंगल आरती मिस की नहीं, वो हर रोज सुबह रहते हैं। तो ऐसे उदाहरण हम लिख सकते हैं नाम तो नहीं। अगर हमें नहीं भी लिखना है तो ऐसे आप कह सकते हो हम एक भक्त को जानते हैं जिनका, अगर आप नाम नहीं लिखना चाहें नाम लिख दें कोई तकलीफ नहीं है।
ये तो कोई पब्लिश नहीं होगा आपका, वो भी ये dandavat.com पे नहीं डाल दिया जाएगा, चिंता नहीं। ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बड़े आभारी हैं। बड़ा हम ये नहीं कहना चाहिए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ओके, अब आप लोगों के हमारे पास इस समय 25 मिनट्स है और आप सब ने दो दो मिनट के बहुत अच्छे बनाए होंगे एडवर्टाइजमेंट, तो अब हम उनको देखना शुरू करते हैं प्रारंभ। आप में से कितने लोगों के रेडी हैं एडवर्टाइजमेंट, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों के रेडी हैं एकदम। ओके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और बाकी लोग ऑडियंस, किसी जिसे जिसने हाथ नहीं उठाया अभी हमने देखा। दिव्य राधिका माता जी, आपका हाथ नहीं दिखा था, शायद अंधकार है इसलिए नहीं दिखा होगा कि आपने किया नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंडिंग रह गया है। अच्छा, एंडिंग रह गया, और भी कुछ लोगों के हाथ नहीं थे ऊपर। ठीक है, जिनका हो गया है उनके देख लेते हैं। सबका देखें तो समय बहुत चला जाएगा, नहीं दो दो मिनट के लिए कि कर लें सबका, कैसे करना है या आप हमें सब भेज देंगे? नहीं, ठीक है, अभी समय है, जितना होता है देख लेंगे, जिसका रह जाएगा अब हमें ईमेल पर भेज दीजिएगा, फिर हम उसको देख लेंगे। ओके, तो प्रारंभ करते हैं। ब्रजराज नंदन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रभु? हाँ, आई थिंक अलाउड है इसमें, फिर भी हम देख लेते। ओके, यस, अलाउड होगा आपको। विजिबल प्रभु? नहीं, आपने शेयर किया कि अभी तक शुरू नहीं हुआ? आपने केवल अपने अपने लैपटॉप पे चलाया होगा, नीचे शेयर स्क्रीन आपको प्रिंट करना पड़ेगा। थोड़ा आप सबसे विनती, आप सब रेडी रखें, समय व्यर्थ ना करें एडजस्टमेंट में, तो फिर सबका समय जाएगा। यस, ब्रजराज नंदन प्रभु, अभी आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए जो ऐसे है ना, ऐसे मत कीजिए, आप पूरा रेडी रखिए। आप अभी स्क्रीन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सब ने रेडी रखिए, उसको क्लिक करके जस्ट उस पर क्लिक करें, शुरू हो जाएगा, और साउंड के साथ कीजिएगा। प्रभु शुरू करिए, समय हो रहा है। शुभम, प्रभु एक काम करिए, आप शेयर स्क्रीन बंद कीजिए और किसी को करने दे, जब आपका सेट हो जाएगा तब करिएगा। जी ओके प्रभु, ओके प्रभु। हाँ, बंद कीजिए उसको। क्यों ओके, पूनम माता जी आपका रेडी है? जिनका एकदम रेडी हो वो हाथ ऊपर कीजिए, जिनका एकदम रेडी है, समय व्यर्थ ना हो। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रजराज प्रभु थोड़ा होल्ड करेंगे आप? या प्रभु होल्ड कीजिए, डोंट डू इट, व्हेन आई विल टेल यू तब आप करिएगा, प्लीज होल्ड इट। अच्छा, तो अभी किसका एकदम रेडी है जहां समय बर्बाद नहीं होगा एडजस्टमेंट में? ओम प्रकाश प्रभु करिए, चलिए बिना समय व्यर्थ किए तुरंत। कृष्ण कृष्ण, वो आप कहाँ जा रहे हो, क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हमें लगता है आप सब हमें ईमेल से भेज दीजिए, हम देख लेंगे। हरे कृष्ण प्रूफ, प्रूफ मेरा रेडी है, आप बोलेंगे तो मैं शेयर करता हूँ। नाउ आई गॉट इट, जस्ट वेट, ही इज ऑलरेडी शेयरिंग इट।
आई डोंट नो, हमने पूछा था किसका एकदम रेडी है वो करिए, फिर भी आप लोग ऐसे करें, पता नहीं कितना समय व्यर्थ हो रहा है। अभी देखिए प्रभु जी मेरा भी रेडी है, इनका बंद करवाइए फिर क्या करें, अभी ये तो जूम दिखा रहे हैं हमें। प्रभु ओम प्रकाश, प्रभु जूम नहीं देखना है हमको, बंद कीजिए इसको शेयरिंग। ठीक है चलिए माता जी, पुनः माता जी आप शुरू कीजिए तुरंत, और कोई शुरू मत कीजिए अभी, ओम प्रकाश प्रभु रुक जाइए। यस पुनः माता जी अब आप देर मत लगाइए। हरे कृष्णा आप सभी को प्रणाम। जैसे कि फुल स्क्रीन कीजिए माता जी, फुल स्क्रीन पर आना चाहिए। आप सभी को प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं पॉज कीजिए उसको, पॉज कीजिए एक मिनट, समस्या है। हाँ वापस से ले जाइए, हाँ अभी शुरू कीजिए, प्ले कीजिए। हरे कृष्णा आप सभी को प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं इस भौतिक जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु का डर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मृत्यु का या अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर लगा रहता है। इसका कारण है उस भौतिक जगत से आसक्ति। अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारे नजदीकी बाकी सारे म्यूट पर रही है, आवाज बीच में नहीं आए माता जी, आवाज नहीं आ रही इसकी, शायद आपको म्यूट कर दिया इसलिए हो गया होगा, आप म्यूट निकालिए। ठीक है ठीक है प्ले कर दीजिए। समस्या है मृत्यु का डर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मृत्यु का या अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर लगा रहता है। इसका कारण है उस भौतिक जगत से आसक्ति। अगर आप इस डर से बचना चाहते हैं तो हमारे नजदीकी संस्था इस्कॉन से संपर्क कीजिए। इस्कॉन आपको बताता है कि कैसे इस भौतिक जगत से आसक्त हुए बिना अपना जीवन जिया जा सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा समस्या है इस भौतिक जगत का कि लोग अपने परेशानियों से परेशान होकर आत्महत्या का मार्ग अपना लेते हैं। वह सोचते हैं कि आत्महत्या करने से उन्हें सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या फिर वह अन्य दवाइयों का सेवन करने ले जाते हैं, मदिरापान धूम्रपान या ऐसी आपत्तिजनक दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे वह सोचते हैं कि वह सभी समस्याओं से बचना है तो हमारे नजदीकी संस्था इस्कॉन से संपर्क करें, क्योंकि शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति आपको कैसे करना है इसका मार्ग आपको हमारा कृष्ण भावना मित्र बताता है। कृष्ण भावना मित्र एक सात्विक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए यह भी बताता है। अगला जो हमारी समस्या है वो मेरे साथी यशवी जी बताएंगे। हरे कृष्णा, जैसे आपको पता है आजकल के लोगों फेसबुक ट्विटर पर यहाँ सच्चे दोस्त को ढूंढते हैं जिससे वो बात कर सके। क्या आपको भी सच्चे दोस्त चाहिए? तो इफ हाँ तो हमारे इस्कॉन को फॉलो कीजिए। इस्कॉन आपको ऐसे दोस्त से मिलवाएगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपको पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कृष्णा जी। आपको पता है कृष्णा जी हमारी खुशी के लिए मक्खन चुराते थे और हमारी रक्षा करते थे। जैसे अर्जुन जी का रक्षा किया था भगवद गीता में। जब आपको ऐसे सच्चे दोस्त चाहिए तो हमारे इस्कॉन को फॉलो कीजिए। उपाध ने इस संस्था की स्थापना भारत के हर शहर में की है और भारत से बाहर वाले बाहर देशों में भी ये संस्था पाई जाती है। आप किसी भी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा जय वेरी नाइस गुड ओके सो नेक्स्ट प्लीज जिनका एकदम रेडी है वो लोग
करें, समय व्यर्थ ना हो कि आप एडजस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हैं। ब्रजराज नंदन प्रभु, आर यू रेडी? अच्छा वो नहीं है, कौन है? ऊर्वशी माता जी, हरे कृष्णा। आप बता रहे हो या हम बताएंगे? माता जी डिसाइडिंग, प्रभु जी ऊर्वशी माता जी, शी कैन प्ले माय वीडियो आल्सो। अच्छा योर वीडियो, वो नहीं है उनके पास, शी हैज टू। माता जी क्या, ऊर्वशी माता जी आर यू रेडी? नहीं, ठीक है प्रभु जी, मैं उनका वीडियो रेडी करती हूँ, तब तक मैं अपना प्ले कर। अच्छा ठीक है, हाँ प्ले करिए। साजी आप लोग समय बहुत व्यर्थ करते हैं, इसमें मैं तो किसी का हम सुन नहीं पाएंगे, 9 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है। ओके जी। हरे कृष्णा, साथ साथ हमारा भी कीजिए अभी आपकी कृपा से। तो मुझे एक मिनट लगेगा, किसी और को करने दीजिए शेयर, स्क्रीन पे तैयार रखो। ओके मतलब वो हमारा रेडी है, इफ यू विल अलाउ, दिस इज ओनली फॉर 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? ब्रजराज नंदन दास प्रभु। यस प्रभु, आई आस्क्ड यू अर्लियर आल्सो, योर देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। नो, बिकॉज़ देयर वाज सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट्स हैपेंड। नाउ इट्स रेडी, कैन यू स्टार्ट इट नाउ इमीडिएटली? Yes, sir. Start it. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Prabhu, it's not being shown. What is the problem? Brajraj Prabhu, please keep it ready and then do it. We are all just waiting, just seeing your screen. Okay, aur koi kare tab tak.
who's ready, please, मैं बार बार कह रहा हूँ समय व्यर्थ नहीं कीजिए, रेडी हो तब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। वेट वेट वेट, आप सब ने बोलना है, क्यों आप लोग बोल रहे हैं, सारा नियम भूल गए आप लोग लगता है लास्ट दिन पर। ये कौन है, किसने शुरू कर दिया अपने आप से? डोंट स्टार्ट आदिश्वर प्रभु, अपने आप मन से नहीं शुरू कीजिए, जब हम कहेंगे तब शुरू कीजिए। आप लोग आज लगता है सारे नियम भूल रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं जिसके मन में आए तब शेयर कर दीजिए, ऐसा नहीं किए। जूही माता जी स्टार्ट कीजिए, जूही माता जी इधर देखिए, ध्यान करिए, शुरू कीजिए। बाकी सब थोड़ा शांत रहिए, माता जी देयर इज नो साउंड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है मित्र जी हमारी? आ रही है, अभी आ रही है आवाज। उसमें आपके स्क्रीन में आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, आपने कुछ साउंड डाला है या नहीं डाला है? आई नो मित्र जी, अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ आप बोलें तो पता चले। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज भी है क्या? हाँ जी अभी आ रही है आपकी। पहले तो आपने जब शेयर किया था तो कुछ उसमें आवाज डाला है या केवल फोटोज है? आवाज था प्रभु। अच्छा एक बार और शेयर कीजिए तुरंत। ओके जल्दी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, अपने आप को म्यूट मत कीजिए, आप म्यूट करोगे तो आवाज नहीं आएगी। अनम्यूट कीजिए, वापस जाना पड़ेगा। हरे प्रभु जी, आप एक मिनट किसी और का। ठीक है आप वेट कीजिए, रेडी हो तो। ब्रजराज प्रभु कहाँ है? ब्रजराज नंदन प्रभु, आर यू रेडी? नाउ रेडी प्रभु, प्लीज रेडी मींस रेडी, यस नाउ करिए, अब आप शुरू कीजिए। What happened, Rajraj Nandan Prabhu? आपका स्क्रीन बंद हो गया। जूही माता जी रुकिए एक मिनट, कोई कर रहे हैं ना, वेट कीजिए। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सांस सांस राधा बसे, रोम रोम में श्याम। बच्चे दिखाई नहीं दे रहा कुछ स्क्रीन, बूढ़े नौकरी पेशा युवक युवतियां स्कूल। हाँ अभी प्ले कीजिए उसको। हाँ कृष्णा,
ऐसे होता है, हम लोग ओल्ड एज में सब करने जाए ना तो ये सारी चीजें होती है, यंग लोगों को किसी को करने दे। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सांस सांस राधा बसे, रोम रोम में श्याम। बच्चे जवान बूढ़े, प्रभु स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वी आर जस्ट हियरिंग द साउंड। अभी 9 बज रहे, हमें 9 बजे जाना है, इसके बाद हम किसी का नहीं देख पाएंगे। सो आप लोगों से हमारी पहले ही हमने विनती की, जिसका रेडी हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तुरंत रेडी में कर सकता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। ओके दीपक प्रभु शुरू कीजिए। प्रभु दीपक प्रभु शुरू कीजिए। एक्चुअली हमने गलती की, आप सबको कहना था हमें भेज दीजिए ईमेल पे, हम सेट करके सबको दिखा देते। आप लोग अपने आप से, वो आदत नहीं है आप लोगों को, इसलिए नहीं हो पा रहा। उर्वशी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। उर्वशी माता जी हमारा रेडी है, तो कृपा करके प्ले कीजिए प्रभु से परमिशन लेके। ये कोई चला रहा है, चलाने दीजिए। इसका बीच में चालू है, साउंड म्यूट कीजिए सब लोग। ओके आई थिंक अभी इसमें बहुत समय लगेगा, आई डोंट नो आप लोग। प्रभु जी उर्वशी माता जी से रिक्वेस्ट। एक मिनट प्रभु, रामापति प्रभु, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन बिटवीन? क्या हो गया आपको? आप लोग भूल गए सब, हम बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हो। क्लास खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे जो मन में आए कर ले, आप तो प्रभु जी कल से आने वाले नहीं हैं। प्लीज फॉलो इट। सो ये आई थिंक आप लोग पूरा ठीक से सेट नहीं कर पा रहे हो, हर एक का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी एक का नहीं। कभी शुरू करते हैं फिर साउंड नहीं है, तो मे बी आप सब हमें ईमेल पर भेजिए। चलिए हमने गलती की, कल ही मंगा लेना था, तो आज हम ही सेट करके सारा दिखा सकते थे लाइन से, एक के बाद एक। हाँ उर्वशी माता जी आप दिखा रहे हो, करना चाहते हो? एकदम तैयार है उमापति, समय बर्बाद तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। करिए, चलिए करिए। माता जी आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, नहीं तो साउंड नहीं आएगा। लेकिन इस्कॉन की कृष्ण भक्त भयभीत नहीं है, इसके कारण रहस्य क्या है, चले हम भी जानेंगे। हरे कृष्णा। संदीप जी आप मृत्यु से इतना भयभीत क्यों? हम सभी जीव ये भौतिक जगत में यात्रा में है, एक दिन ये जगत को छोड़ के जाना ही है। ये यात्रा कैसे परिपूर्ण करना है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। वो महाज्ञान को हमारा श्रील प्रभुपाद की सांगति और इस्कान संस्था द्वारा अध्ययन करके और कलयुग धर्म हरिनाम लेते लेते हम सब जीव अपना घर गोलोक वृंदावन आनंद से जाएंगे। इसलिए हमेशा मृत्यु से डरना नहीं। हरि बोल। जय, डरना नहीं चाहिए मृत्यु से।
okay, let me see. हम हाथ तो सबके देख रहे हैं, आप लोग बड़े उत्साह से हाथ उठाते हो, लेकिन जब आपको कहा जाता है तो आप सारा समय व्यर्थ करते हो. जूही माता जी, ठीक है, आप बहुत उत्साह में हैं, शुरू कीजिए. एडवर्टाइजमेंट फॉर भक्ति शास्त्री. प्रणाम देवी जी, मैंने हमेशा आपके मुख पर अद्भुत जी. चालू कीजिए, पॉज हो गया. भयानक परिस्थितियों में भी आप इतना प्रसन्न और निर्भय कैसे रहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास निर्भयता का अद्भुत आनंद का खजाना हाथ लगा है. अब मुझे न तो विपत्ति, न रोग और न ही मृत्यु का भय है. अब तो मुझे भी ये रहस्य बताइए. हम अज्ञान के कारण भयभीत रहते हैं और जब से मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ी हूँ, मैंने उत्तम भक्तों एवं आचार्यों से आत्मा, शरीर, भगवान एवं शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान पाया है और मैं साथ साथ ABCD का अनुसरण कर अब चिंता मुक्त हो गई हूँ. ABCD क्या होता है? आप भी मेरे साथ कल इस्कॉन मंदिर आइए और जानिए ABCD क्या है और आप भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाइए. तो मैं अवश्य आऊंगा, मैं भी जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता हूँ. जय, थैंक यू, गुड गुड गुड, नाइस. ओके, जिन अभी आपको सबको चांस दे रहे हैं, लेकिन प्लीज रेडी रखिए, समय व्यर्थ नहीं कीजिएगा. नंद कुमार प्रभु. और आप लोग हाथ तभी उठाइए जब एकदम रेडी हो. हरे कृष्णा प्रभु जी, देख पा रहे हैं? हाँ जी, अभी चला गया, ब्लैंक हो गया बीच में. हरे कृष्णा प्रभु जी. आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, साउंड. आवाज प्रभु, मैं बोलूंगा एक्चुअली. हमारे से पावर. हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए. तो इस जीवन में जितने भी जीव हैं, सभी कोई ना कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं. कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई बीमारियों से जूझ रहा है, हर कोई किसी न किसी तरीके की समस्या से, कोई अपने जस्टिस के लिए, कोई फ्रीडम के लिए, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है. तो इन समस्याओं, ये वास्तविक समस्याएं क्या हैं, इन अलग अलग समस्याओं को श्रीमद् भगवद गीता में चार वास्तविक समस्याओं में डिवाइड किया गया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. कोई अल्पकालिक और अस्थाई समाधान ढूंढ रहा है, कोई स्थाई समाधान ढूंढ रहा है. अल्पकालीन समाधान है, वो लोग अलग अलग तरीके से समाधान ढूंढ रहे हैं. जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है, जितने भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाती हैं. कोई चोरी, मार पिटाई, अपशब्द और प्रतिबंधित दवाएं और अलग अलग तरीके की समाधान ढूंढता है, लेकिन ये अस्थाई समाधान है क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं. ज्ञानी लोग जो हैं इन सारी समस्याओं का स्थाई समाधान ढूंढते हैं और वो इमीडिएटली देखते हैं कि ये शरीर जो है, मानव जन्म जो है, ये मृत्यु पर विजय पाने के लिए है. जन्म और मृत्यु पर विजय पाने के लिए है और इसके लिए वो इमीडिएटली आध्यात्मिक ABCD का पालन करते हैं. और ये आध्यात्मिक ABCD जो है, ये इसमें ए एसोसिएशन है, जिसका मतलब है साधु संघ,
बी है श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स, सी है रेगुलर चैंटिंग कृष्ण के पवित्र नाम का जाप, डी है कृष्ण प्रसाद डाइट। और इसके साथ साथ में चार हमारे नियामक सिद्धांत हैं, उनका पालन करना और आचार्यों के नक्शे कदम पर चलना। ये करने से सारे जीव निश्चित ही इस जन्म और मृत्यु से परे जाकर गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है। और इसी प्रकार ये करने से हम लोग मौत से छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा कृष्ण की सेवा में सुखी रह सकते हैं, यही इस जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए हमें इसलिए जपना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, खुश रहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर और भक्तों से संपर्क किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट दीपक प्रभु, शुरू कीजिए तुरंत। जिनके भी हाथ ऊपर है अभी सबका सुनेंगे, लेकिन लाइन से। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। पर पहले ये खुशखबरी देने के पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जीवन का असली सत्य क्या है? क्या वो हमारा परिवार है? क्या वो रुपया पैसा हमारा बैंक बैलेंस है? क्या वो हमारा बंगला गाड़ी और हमारी कोई प्रॉपर्टी है या मृत्यु है? जी हाँ दोस्तों, जीवन का प्रथम सत्य मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु होने पर हमारे सारा संबंध, हमारे परिवार छूट जाता है, हमारा धन दौलत छूट जाता है, हमारा बंगला गाड़ी सब छूट जाता है। तो फिर सत्य क्या है और ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है? वो है कृष्ण की भक्ति, और हमारी भगवत भक्ति ही वो जो एक ऐसी शाश्वत है जो मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ चलती है और हमें हमारे भगवत धाम ले जाती है, जो हमारे परम पिता है भगवान श्री कृष्ण और हमारी जो माता है राधा रानी के पास ले जाते हैं, गोलोक वृंदावन ले जाते हैं। तो मृत्यु के बाद का सफर को सफल बनाने के लिए कृपया संपर्क कीजिए हमारे नजदीक इस्कॉन सेंटर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय हो, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके सो नेक्स्ट किसका नाम दिख रहा है? दीपक प्रभु आपका हाथ। ब्रजराज नंदन प्रभु, आई थिंक यू हैव सेंट इट टू अनंत शेष प्रभु। वुड यू लाइक टू प्ले अनंत शेष प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, शुड आई प्ले ब्रजराज प्रभु'स वीडियो? यस 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 यस, वी आर वेटिंग। दिख रहा है प्रभु जी? हाँ, साउंड थोड़ा सा कम है, कर साउंड बढ़ा सके। ओके। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सा सा राधा बसे, रोम रोम में श्याम। बच्चे, जवान, बूढ़े, नौकरी पेशा युवक युवतियां, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, गृहिणियां, व्यवसायी, अमीर या गरीब, कोई भी इस्कॉन से जुड़ सकता है। इस संस्था में आपको व्यक्तिगत देखरेख के साथ आपको भक्ति करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान तथा उसे अपने जीवन में कैसे उतारे उसका विज्ञान भी बताया जाता है। ये इस्कॉन मंदिर इस लंका रूपी जगत में विभीषण के घर है, जहाँ आपको सुखद अनुभूति होगी, मन शांत होगा, जीवन आनंदमय बन जाएगा। एक बार जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि भगवान की भक्ति करने में इतनी देर क्यों कर दी। तो आइए कृष्ण भावना मंत्र को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा, जय, वेरी नाइस, फाइनली
कभी कभी बोलते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसे कहा जाता है ना, तो इंतजार किया तो अच्छा चीज है. ओके, अभी अनिल शेष प्रभु, कैन आई कंटिन्यू बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:10. यस प्रभु जी, इफ यू हैव टाइम प्रभु जी, सो या टुडे इज लास्ट डे ना. यस प्रभु जी. ओके, सो जितने का भी है सबका देख कर ही जाएंगे. ओम प्रकाश प्रभु, आपका प्लीज अगर समय पर विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं शुरू करता हूँ प्रभु जी. आप लोगों का आज बहुत श्राप मिलेगा, मैंने पता, मैंने बैग खोल कर रखा हुआ अपना. प्रभु जी अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्रभु जी आप दिखाई दे रहे हो, स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा, अभी एयर नहीं किया होगा आपने. अभी आपके उस पर ओपन करने से नहीं होगा, उसको शेयर कीजिए. इसको शेयर अभी शेयर किया है, इसमें क्लिक. ओके, अभी चालू है प्रोजेक्ट? अभी चालू तो है लेकिन आपने रेडी नहीं रखा है. चालू कीजिए. ये चालू से चालू हो गया. चालू हो गया, आएगा धीरे धीरे. वो दूर से आ रहा है ना, शारजा से यहाँ इंडिया आते टाइम ले रहा है. स्क्रीन शेयर स्टॉप, आप इसको बंद कीजिए, ये जो आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसको नीचे. अरे अभी ये चालू है, बैकग्राउंड में चालू रखा है, मैंने रेडी रखा है. अभी सामने क्लिक किया शेयर, स्क्रीन शेयर में, स्क्रीन शेयर, तो यहाँ पे वो प्रोसीजर मत बताइए, चालू कीजिए. प्रोसीजर हमको पता है कैसे करना है. सर यस, शुरू कीजिए. अभी चालू है प्रभु जी? नहीं प्रभु, वो दिखाई दे रहे हैं आपके सारे जो बहुत सारे वीडियोस हैं उसको आप हाँ मिनिमाइज कीजिए उसको. हाँ जी, अभी अब दिखाई दे रहा है प्रभु जी? अभी दिख रहा है? नहीं, पता नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है. बाकी सब बड़ा आनंद ले रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहा. प्रभु जी मैं भी आनंद शेष प्रभु जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक सेकंड में, जब तक आप दूसरा वीडियो देख लीजिए. फिर बोल, अभी अभी हो रहा है प्रभु जी? प्रभु जी अभी हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं, अभी आवाज तो आ सकती है. एक मिनट, इसमें ऑप्शन है आवाज का, तो स्क्रीन शेयर विद साउंड, शेयरिंग विद साउंड पहले करना चाहिए. स्क्रीन शेयर विद साउंड, आपको सब पता है तो क्यों देख करते हैं साउंड की तरह. ऑप्शन शेयर विद कंप्यूटर साउंड. हाँ अभी आ रहा है प्रभु जी. आप अभी आ रहा है प्रभु जी? से सुखी है? हाँ क्या आप इस जीवन से सुखी हैं? प्रभु आप बोलना बंद करेंगे तो सुनाई देगा. कारण से भयभीत रहता है? क्या आप मृत्यु से डरते हैं? इस संसार में हर कोई किसी न किसी चिंता में घूट रहे हैं, तो फिर इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ? माया का दास उदास, कृष्णा दास बिंदास. आइए इस जीवन में उठाइए फायदा इस्कॉन में. जी हाँ, आपने सही सुना, इस कलयुग का सबसे बड़ा हथियार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र से अपने अंदर के सारे कष्टों के कारणों को निकाल फेंकिए. श्रील प्रभुपाद के शरण में जाइए और कृष्ण के ज्ञान को मुफ्त में प्राप्त करें. तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे संग आनंद में, आनंद के सागर में डूब जाइए. यह अवसर केवल आपके श्वास रहने टाइम तक ही सीमित है.
जय वेरी नाइस फाइनली ओम प्रकाश प्रभु ने किधर किधर से क्या क्या करके कर ही दिया ओके आदिश्वर माधव प्रभु कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु जब आपको चालू नहीं करना था तब आपने चालू कर दिया जब चालू करना है तो नहीं कर रहे हो एक्चुअली पता चल रहा है आप लोग कितना सोशल मीडिया में सबको तकलीफ हो रही है अच्छा है ज्यादा सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए आप लोगों को भक्ति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आदिश्वर माधवप्रभु किसी से मदद ले लीजिए अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप रेडी कर लीजिए प्रभु जी तब चालू करेंगे ओके सो एनीवे और तो किसी के हाथ नहीं है आखिरी हाथ अभी आदिश्वर माधव प्रभु रेडी करेंगे सॉरी प्रभु जी मेरा भी है तो आपने ऊपर क्यों नहीं किया हाथ दिखाई नहीं दे रहा आपका दिखाया था प्रभु जी अच्छा और किसका है बाकी अकेले आप हैं और तो किसी का नहीं है ठीक है निर्मला माता जी रेडी है आपका तो शुरू यस यस प्रभु जी शुरू कीजिए यान्ति देवा व्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपिमान् अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो पितरों का पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं अंत में कृष्ण भगवान बोलते हैं जो मेरे पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं हरे कृष्णा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जो उनका शरण लेंगे और इस कलयुग में हरिनाम का शरण लेंगे वो अवश्य भगवत धाम प्राप्त करेंगे इसलिए हमारा सबसे यही निवेदन है कि हरिनाम का शरण लें और अपना इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं हरे कृष्ण हरे कृष्णा ओके अनंत शेष प्रभु यू कैन प्ले थैंक यू निर्मला मात जी वेरी नाइस Thank you.
Yeah, the sound was little low, otherwise good. Message was good. Okay, so कोई बच्चे हैं और to share और हो गया सबका? प्रभु जी मेरे स्क्रीन शेयर करा तो तब आवाज नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था प्रभु जी? वीडियो दिख रहा था प्रभु जी? नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा था। Can I try करो प्रभु जी? हाँ जी करिए। प्रभु जी आदिश्वर माधव प्रभु का मैं प्ले कर सकता हूँ, वो मुझे भेजा है। ठीक है, तो आदिश्वर माधव प्रभु का प्रभु जी आप प्ले कर दो। आदिश्वर माधव प्रभु आपको वो प्ले कर देंगे, यू डोंट प्ले। ठीक है प्रभु जी। आप में से और कोई रह गए? ये लास्ट है, ये कोई नहीं रह गए ना? ओके, स्क्रीन दिख रहा है ब्रो जी? यस यस, आवाज, आई डोंट नो वेदर वी विल प्ले देम, पता नहीं। हां सुनाई दे रहा है? यस यस। And the sound highest or the sound recording may be very low. Thank you.
प्रभु जी, थोड़ा साउंड में इसमें प्रॉब्लम था आई थिंक वहां से। हाँ, वी कुडंट हियर प्रॉपरली, सुनाई नहीं दिया। हालांकि बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। एंड मुझे पूछना था, आदिश्वर माधव प्रभु, ये जो बच्ची वो पूजा कर रही थी या कुकिंग कर रही थी, केवल वीडियो में कि वैसे भी करते कभी कभी? करते है प्रभु जी, करते है प्रभु जी, करते है। अच्छा, फिर ठीक है। सॉरी, हम लोग पता नहीं, वे साउंड क्लियर आता तो बहुत अच्छा था। दोनों ने एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, उनका फेस एक्सप्रेशन वगैरह बहुत अच्छा था। खास करके वो जो छोटी सी बच्ची वो आकर वो एक तो नहीं गए, किसी का नहीं प्ले किया हो, कोई दुखी हो जाए, कोई श्राप? श्राप तो आप लोगों ने बहुत दिया ही है, वो तो भरे हुए हैं बैग में, लेकिन ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हैं और आशा करते हैं कि फिर कभी आप लोगों से भेंट होगी कहीं ना कहीं, भारत में, शारजा में, बहरीन में, दुबई में, कहीं ना कहीं हो जाएगी, भगवान मिला दे। हरे कृष्णा। माता जी कुछ कहना चाहते हो अभी भी? अब तो क्लास खत्म हो गई। प्रभु जी, बस ये कहना था कि आपसे पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और आपको जब भी, जब से आपने पढ़ाना शुरू किया है, इतना मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते थे और सीख लिया आपसे, और अभी इच्छा तो यही है कि आप कंटिन्यू करें क्लास को, लेकिन अभी मालूम नहीं कौन पढ़ाने वाला नेक्स्ट सेशन हमें, लेकिन आपको बहुत मिस करेंगे हम लोग। और सच में आप जैसे आपका नाम है ना, उससे उससे ज्यादा आपके अंदर ज्ञान है प्रभु जी, ये हमने फील किया है, और ज्ञान लेना चाहते हैं हम आपसे, यही चाहते हैं बस प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद मत जी, आभारी आप सबके। और अभी आपको पता होना चाहिए कि इस्कॉन में बड़े बड़े महारथी हैं, ये तो आपने जैसे भी सैंपल देखा है ना, अभी तो आप देखोगे नेक्स्ट जो आएंगे इस कॉन में, काफी लोग हैं अच्छा पढ़ाने वाले जिनसे हमने सीखा है। सो इस कॉन भरा हुआ है अच्छे अच्छे डिवोटी से, तो आपको हर एक से सुनना चाहिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सनंद शेषप्रभु, एनीथिंग एल्स? सो हम लोग हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सो प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से इतने दिन हम सबको उनके संग दिए और इतने अच्छे समझाए जो ईशोपनिषद का जो अलग अलग कंसेप्ट है। तो मैं हमेशा चाहता था कि जैसे वंशीवर्धन प्रभु और ऐसे कोई आए जो सही चीजों को जो है शिक्षक के रूप में अच्छे से समझाए, मतलब कभी कभी कुछ चीजें हमको डांट के भी बताना पड़ता है, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है। हमेशा चाहता था ऐसे कुछ एक समूह में, बीच में प्रयास कर रहा था वंशीवर्धन प्रभु को लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन प्रभु जी का मैंने क्लासेस कभी अटेंड नहीं किया था, तो अभी प्रभु जी का क्लासेस अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से जो हर एक चीजें जो नॉर्मली बाहर हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो कुछ कंसेप्ट हम कोई हमको बताते नहीं है, तो वो यही भक्ति शास्त्री क्लास में हम समझ सकते हैं। सो प्रभु जी ने ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया प्रभु जी ने, सो हम प्रभु जी का बहुत आभार है और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं तीन बार हरी बोल बोल के। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद फॉर अलाउइंग मी। अनंत शेष प्रभु ने सेवा का अवसर दिया। वैसे भी वैष्णव का गुण होता है दूसरों का बड़ा गुणगान करते हैं, हम नहीं करते, हमारे अंदर वो है ही नहीं, हम किसी का गुण, हमको तो डांटना आता है केवल, लेकिन अनंत शेष प्रभु कितने मधुरता से गुणगान करते हैं, हमें सीखना है इनसे कैसे, क्योंकि आदत नहीं है किसी का गुणगान करने की, अहंकार भरा हुआ है, लेकिन प्रयास करेंगे अनंत शेष प्रभु से सीखने का, कितनी मधुरता से गुणगान करते हैं उस व्यक्ति का जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। दो तीन हाथ दिखाई दे रहे हैं अनंत शेष प्रभु, आर वी सपोज्ड टू टेक और व्हाट इज इट? टू थ्री पीपल हैव रेज्ड हैंड। आई थिंक यू हैव, आपको समय है प्रभु जी? ओके, आई कैन वेट फॉर स्मॉल। अभी इन लोगों को इतनी प्रसन्नता है, मुक्ति हो रही है, तो फिर हम 5-10 मिनट और इनकी प्रसन्नता का अनुभव कर लेते हैं। आई कैन सी 4 है नरेंद्र प्रभु।
अरे ज्यादा हाथ मत उठाइए, इतना समय नहीं है। हरे कृष्णा। आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे प्रभु जी। हम सब और स्पेशली मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रभु जी हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और आपको बहुत कष्ट पहुंचा है। और आपने कहा कि हमें भी बहुत कष्ट हुआ जब आप बार बार हमें ये बोलते थे कि आप भक्ति शास्त्र के स्टूडेंट है, आप मायापुर का नाम खराब करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आश्वासन दे रहा हूँ प्रभु जी, हम दोबारा से इन सभी चार पुस्तकों को और अभी तो दो तीन पढ़ाई कर लिया है अच्छे से, फिर अध्ययन करेंगे और मायापुर इंस्टीट्यूट का और आपका और सभी आध्यात्मिक गुरुओं का बिल्कुल भी नाम नहीं खराब करेंगे गुरु जी। हम बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे, फिर से बार बार करेंगे, और हमें अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा हम आपको कष्ट देंगे, ईमेल से व्हाट्सएप से हमसे बार बार आपसे पूछेंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूँ कि हमारा इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे प्रभु जी। हम बहुत अच्छी और मेहनत करेंगे प्रभु जी, बार बार पढ़ेंगे उन सभी पुस्तकों को। हो सकता है एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा, हमारी बुद्धि इतनी अल्प बुद्धि है, समझ में नहीं आया अच्छे से, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। और इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। हाँ हमसे बहुत त्रुटि हुई है प्रभु जी, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, हम थोड़ा इधर भौतिक जीवन में ज्यादा है, कभी ड्यूटी का है या कुछ ग्रस्त जीवन है, कुछ इस वजह से ऐसा हो गया, लेकिन क्षमा कीजिए प्रभु जी। बहुत बहुत हमारी वजह से, हम सब की वजह से, हम कॉमन कॉमन कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए हैं, क्षमा कीजिए प्रभु जी, लेकिन हम अपने आप में सुधार करेंगे प्रभु जी, ये आश्वासन है मेरे व्यक्तिगत। हरे कृष्णा। अभी हमें लग रहा है कि बहुत डांट दिया आप लोगों को, सबका यही आ रहा होता है, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कितना डांटा, डांटना नहीं चाहिए था इतना। आप लोग का सबका वही टारगेट हो रहा है, प्रभु जी अब नहीं बोल पाए, नहीं मतलब बहुत डांटा आपने। एक्चुअली आप सब एक सेकंड नियम अभी तक पालन। तो आप सब बड़ा अच्छी तरह से, उन्हें एक हिंदी में कहावत है कि किसी व्यक्ति को कुछ निंदा करनी हो तो अच्छे अच्छे शब्दों में चॉकलेट में मेडिसिन डालकर दिया जाता है। तो आप सबके अंदर ये बड़ा अच्छा गुण है कि आप चॉकलेट के अंदर मेडिसिन डालकर हमको दे रहे हैं कि प्रभु अगली बार पढ़ाएं तो इतना अत्याचार मत कीजिएगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो खैर नरेंद्र प्रभु, आपका जो छुपा हुआ संदेश था वो हमें मिल गया, धन्यवाद। ओके अभी और भी लोग हैं। नरेंद्र प्रभु आप आखिरी में कुछ कहना चाहते हो, आपकी कोई आखिरी इच्छा? नहीं प्रभु जी कुछ नहीं कहना चाहता था, ये कहना चाहता हूँ कि त्रुटि हर एक अध्यापक का, आध्यात्मिक गुरु का पढ़ाने का तरीका होता है, और हमें ऐसे ही गुरु की आवश्यकता थी। हम सीधे वो बोलते हैं ना, बातों के बुत लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो हमें आप जैसे ही गुरु की प्रतीक्षा थी, और हम आपसे बहुत कुछ सीखे प्रभु जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने हमें अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया या आपका आपने बहुत स्ट्रिक्ट किया, नहीं, एक्चुअली हमको ऐसे गुरु की जरूरत थी। ये आप लोग इतना हमें बोल रहे हो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अनंत शेष प्रभु सुन रहे हैं, अगली बार MIHE में बुलाएंगे नहीं कि ये तो बड़े खतरनाक हैं, ये लातों की बातें करते हैं। ओके ओम प्रकाश प्रभु, थोड़ा क्विकली, थोड़ा समय ज्यादा मत लीजिए जो भी है, थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद, एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपके स्टूडेंट बनने के लायक नहीं थे, फिर भी आपने हमको स्वीकार किया। और दूसरी बात, एक लाइन हो गई, डांट नहीं रहे थे प्रभु जी, हम तो आप इतना हंसा रहे कि में भी अंतिम में भी और बीच में भी हंसा हंसा रहे, एकदम आनंदित बना रहे, और डांट को भी हम डांट के रूप में, डांट तो है ही नहीं, था ही नहीं, तो हम हंसी हंसी में एकदम आनंदित हो रहे थे प्रभु जी। और हमने अपने अंदर में थोड़ा दिख लिया कि क्या कमी कमजोरी हो, उसको हम सुधारेंगे प्रभु जी, और अगली बार जो भी क्लास लेंगे हम उस तरीके से तैयारी अवस्था में। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा आप लोग और हाथ मत उठाइए, जितने उठे हैं उतने ही बढ़ाइए नहीं हाथों को। ओके आदिश्वर माधव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हम आप सभी आपके आभारी कि आपने इतनी अच्छी तरह से हम सभी को पढ़ाया है। जैसे आप कहते कि आप हमें डांटते थे, लेकिन वो डांट हमें एक चॉकलेट जैसी लगती थी, कि उससे हम लोग वो मीठा भी लगता था और अच्छा भी लगता था प्रभु जी, ताकि हमने देखा कि हम में क्या क्या कमी है, एक गुरु ही हमें बता सकता है। तो हमें आपकी क्लास अटेंड करके पता चला कि हम में तो बहुत सारी कमियाँ है, तो प्रभु जी हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे, और हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है प्रभु जी। हम आशा करते हैं कि हम
और भी आपसे कुछ सीखे, तो अगर आपके ऐसे कोई क्लास है प्रवचन तो हमें बताएं, हम जरूर अटेंड करेंगे प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ प्रभु जी। जैसा आपके आपको प्रसन्नता होगी आज का क्लास लास्ट है इसलिए, लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं है, हमें आज बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आपने क्लास लिया प्रभु जी, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने बचपन में है, आपके साथ हमने अपना बचपन जिया जहाँ पे हमारे मम्मी पापा सदैव हमें डांटते रहते हैं हमारी अच्छाई के लिए। और प्रभु जी आपका क्लास सुनते सुनते जैसे एक मधुर रस मिला कि आप जब श्लोका बोलते हो प्रभु जी तो इतना अच्छा लगता है कि कहीं पे हमें ऐसे लगता है प्रभु जी कि शायद हम ऐसे सीख पाएंगे या नहीं, इतना मधुर स्वर इतना मधुर भाव प्रभु जी। तो बस मैं प्रभु जी आपसे यही आशीर्वाद मेरे लिए मांगना चाहती हूँ प्रभु जी कि आप मुझे आशीर्वाद कि मुझे वो रस आए भक्ति में और मैं कुछ एटलीस्ट कोई जीवन में कर पाऊँ, ऐसे श्लोका वगैरह सीख पाऊँ प्रभु जी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप श्लोका का जो एक एक स्वर उच्चारते हैं उसमें जो आपका भाव रहता है प्रभु जी, उसमें से बहुत सारी चीजें हमें सीखनी मिलती है। निश्चित प्रार्थना करेंगे मैं आपके लिए। हरे कृष्णा। ओके, हाथ बड़े तो नहीं ना, उतने ही है ना। ओके, अनीता मात जी और उसके बाद दीपक प्रभु और रामापति प्रभु, रामापति रमेश। हरे कृष्ण। अनीता मात जी बोलिए। भगवान कृष्ण आपके चरणों में मेरे प्रणाम प्रभु जी। भगवान कृष्ण की अनुकंपा कि आप जैसे गुरु हमें मिले, एक पिता समान जैसे माता जी कह रही थी, पूरे हक से आपने हमें बहुत प्यार से बच्चों समझ के आपने सिखाया प्रभु जी। मैं जीवन में जो भी अगर कभी भी एक श्लोक गाऊंगी फिर पूरे हृदय से आपको याद करते हुए बहुत मधुर वच में गाने का प्रयत्न करूंगी प्रभु जी। मैंने ये सीखा कि हमें ऐसे गाना चाहिए प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें पढ़ाया, बहुत कम समय में बहुत ज्ञान दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। प्रभु जी मैं अपना खाली एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक माँ अपने पुत्र को जब डांटती है और उसकी पुत्र को उसकी उस डांट में भी मिठास की अनुभूति होती है, मुझे उसी मिठास की अनुभूति हुई है प्रभु जी आपके साथ। आपने जब भी डांटा है तो उसमें मेरे को हमेशा मधुरता और मिठास की अनुभूति हुई प्रभु जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रभु जी, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है उपदेश अमृत, अगर अनंत शेष प्रभु जी की कृपा हो या अगर उनकी दया दृष्टि हो तो मैं चाहूंगा कि अगर आपसे बेहतर हमें और कोई नहीं सिखा सकेंगे उपदेश अमृत। तो ये विनंती आपकी श्री चरण कमलों में प्रभु जी। अभी अभी हमने पढ़ा कि जीव मोह में रहता है और आप अभी तक मोह से बाहर नहीं आए कि हमसे अच्छा और कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं प्रभु जी, मोह नहीं है, एक मोह नहीं है कि बस अभी ऐसा लग रहा कि आपसे और सुने और सुने और सुनने की तृप्ति नहीं हुई प्रभु जी। मैं सच्ची बोलता हूँ, मुझे तृप्ति और नहीं मिली है, मुझे और तृप्ति थी, आपसे और सुनना चाहता हूँ मैं। ये अच्छी बात है। भागवतम के पहले स्कंद में कहा गया है जो ऋषि मुनि है वो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते कि हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे भगवान की कथा सुनने से। और क्यों नहीं होते, यच्छृण्वताम रसज्ञानाम जिनको रस आ गया है कृष्ण कथा में, स्वादु स्वादु पदे पदे हर पद पर स्वाद बढ़ता जाता है। थैंक यू प्रभु। ओके, रामपति या रमापति रामेश प्रभु, क्या है आपका नाम, क्या रमापति रामपति? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा आप रमा के पति हो या राम के पति हो, क्या है पहले वो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, रमापति का दास हूँ प्रभु। और रमापति दास है, अच्छा, वो दास को भूलिएगा नहीं है। नहीं प्रभु, तो हम लोग रमापति बनने का क्या ख्याल रखते हैं मन में, दास रमापति का दास आप लोग का कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से मिल गया प्रभु, धन्य है प्रभु जी। प्रभु बोलिए। पहले तो आपका पाद चरणों में मैं सारे जितना भी हमारा भक्ति शास्त्री का उपाध्याय है उनकी पाद चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। आप लोग इतना अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन हमारा खुद के लिए, मैं इतना आलसी हूँ तो इतना सही नहीं पढ़वाया, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई किया और स्पेशली आपका बारे में प्रभु। प्रभु एक मिनट,
आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई किया नहीं, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाया पढ़ाया यस यस प्रभु पढ़ाया हिंदी, हिंदी थोड़ा करेक्ट। अभी भी आपने इतना शिक्षा दे रहे हर बात पे, हमने भागना चाहता हूँ लेकिन आपने ऐसा बोलते एकदम करेक्ट करता है प्रभु, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु। और आपने इतना दिन से आपके साथ जो जर्नी था, आपने जो हमारे अंदर जो कड़वी बात है आपने गुलाब जामुन के अंदर डाल के हमको खिलाता था, लेकिन बाद में हमको ये एहसास हो जाता था नहीं प्रभु ने जो बोला सही है। पहले तो बात आपकी माने नहीं माने लेकिन अंतिम में जाके वो सही है, आपने सही हम लोग को शिक्षा दे रहे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपकी। हरे कृष्णा। और आपने ये आपसे एक एक सीखा था प्रभु, अगर जिंदगी रहे जिधर भी भगवान का श्लोक रिसेट करना चाहता है आप ही याद आएगा जब तक ये जीवन है, क्योंकि आपने बोलता है ना हाँ अगर आपको श्लोक रिसेट करना है उसमें जान है, आप भी जान से यानी कि बहुत उत्साह से करना है। बहुत अच्छा सिखाया प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से अगर कोई भी फिर भी एकाध कोई और कुछ अपने हृदय की बात प्रकट करना चाहते हो, अगर नहीं अवसर दिया तो सर पटक पटक कर जान दे देंगे, ऐसे कोई हो तो कृपया बोल सकते हैं। जिन्होंने नहीं बोला हो, कोई ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं अभी तक नहीं बोला, क्योंकि इतने लोगों ने बोल दिया, हमें नहीं पता था इतने लोग बोलेंगे, तो अब जो बचे हैं वो भी बोल ही दें, थोड़ा समय और। कोई किसी को बोलना है तो अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। हाँ देखिए हाथ शुरू हो गए। यस निर्जय मात जी, अनम्यूट कीजिए मात जी अपने, सॉरी हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत टाइम हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से ईश्वरी शोपनिषद हमें समझाया, हम लायक नहीं थे जैसे सब भक्तों ने कहा, लेकिन आपने बहुत डिटेल में भी जाके और बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया श्लोक कैसे गाने हैं, बहुत बहुत समय समय पर मार्गदर्शन दिया प्रभु जी। और मैंने कुछ श्लोक याद किए थे जैसे आपने कहा था कि सारे श्लोक अगर कोई याद कर पाए तो मैंने थोड़ा प्रयत्न किया था, लेकिन पूरे नहीं हो पाए तो मैंने हैंड रेस नहीं किया प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। लेकिन आगे कर लीजिएगा याद 18 के 18 मंत्र, बड़ा अच्छा है। हमने आपको ऑडियो भी भेजा है ना, तो आप उसके अनुसार गाकर याद कर। प्रभु जी मैंने 11 तक किया है प्रभु जी। ओ वेरी गुड वेरी नाइस। अनंत शेष प्रभु को कहेंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें अगर 11 के 11। प्रभु जी मैं थोड़ा व्हाट्सएप आपको ऑडियो में व्हाट्सएप भेज सकती हूँ प्रभु जी? हाँ जी भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। आप में से कोई भी अगर हमें कुछ संपर्क करना चाहते हैं ईमेल वगैरह, अनंत शेष प्रभु के पास हमारा है, आप उनसे लेकर हमें कोई प्रश्न हो, लेकिन बस थोड़ा सा आशा ये नहीं कीजिएगा कि आपने भेजा और तुरंत उत्तर आ जाएगा, तो कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन हम उत्तर हर एक को देते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप भेजना चाहें भेज दीजिए, लेकिन इंतजार भी कीजिएगा। उत्मांगी मालिनी मात जी, अभी तो आप सबके नाम याद हो गए हमें, पहले पढ़ने में तकलीफ होती थी। यस मात जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सारे मेरे गार्ड ब्रदर्स गार्ड सिस्टर्स सब आपका बारे में बोल दिया, सब सच वाक्य है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपका चरणों का यही बोलने चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके सो अनंत शेष प्रभु, आई थिंक वी कैन वाइंड अप हियर। यस प्रभु जी। प्रभु जी फाइनली वन स्मॉल थिंग आई वांटेड टू मेंशन, एक बात शेयर करना चाहता था कि आपका पहली बार मैंने आपका लेक्चर सुना, तो इस लेक्चर्स में मुझे एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस मिला जैसे हम लोग भक्ति रसामृत हिजोलिनस भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि उन महाराज के भी लेक्चर्स में हम बहुत शिक्षाएं देखते हैं कि हर एक छोटी छोटी बात महाराज क्लैरिफाई करते हैं, कहाँ पे भी वो कंफ्यूजन नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से मतलब आगे जाके कुछ गलती करे यार कुछ उसके कुछ और निष्कर्ष निकाले, तो महाराज हर एक चीजों को क्लैरिफाई करते हैं और जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे करेक्ट भी करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अनुभव हमको मिला आपका प्रवचन से, बहुत धन्यवाद भाई। उसका कारण ये है कि हमने जो भी सीखा है भक्ति रसामृत महाराज से ही सीखा है, बहुत साल उनके साथ रहे हैं। For more than 15 years, I was with him continuously. So, जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है, तो इसलिए स्वाभाविक है वो आ जाता। Thank you. So, okay, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हैं। आशा है फिर कभी आपसे मुलाकात होगी भगवान ने चाहा तो।
और ऑफ कोर्स आई विल मिस ऑल ऑफ यू. कल से सुबह अब 7 बजे आप लोग दिखेंगे नहीं, सो आई विल डेफिनेटली मिस ऑल ऑफ यू. बट एनीवे आई नो कृष्णा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, हम लोग कभी और कभी मिल सकते. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रदीदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि. अतुल कृष्ण प्रभु जी की जय.